परमिसिबल डिडक्शन में आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है सेक्शन 32 एडी. आगे हमने डिस्कस किया बिल्डिंग का रेंट, रेट्स, रिपेयर्स, इंश्योरेंस. उसके बाद का हमारा डिस्कशन था प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर के बारे में, उसका लेट अस से रिपेयर्स, उसका इंश्योरेंस. एंड प्रीवियस सेशन में हमने इन डेप्थ डिस्कशन किया इन रिलेशन टू डेप्रिसिएशन. वो डेप्रिसिएशन जबरदस्त इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे पूरे पूरे परमिसिबल डिडक्शन का. कितना इन डेप्थ डिस्कशन है आपने एक्सपीरियंस किया होगा फ्रेंड्स. देन चलो परमिसिबल डिडक्शन की ट्रेन आगे बढ़ाते हुए हमारे पास नेक्स्ट अवेलेबल है इट इज सेक्शन 32 एडी. क्या कहता है ये फ्रेंड्स देखो. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वापस एक बार एडिशनल डेप्रिसिएशन किस चीज के ऊपर अवेलेबल था और कौन से लोगों को अवेलेबल था? मैन्युफैक्चरर्स को अवेलेबल था. सिमिलरली 32 डी भी किसको अवेलेबल होगा? मैन्युफैक्चरर्स को अवेलेबल होगा. सेटअप इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट्स. याद करो एडिशनल डेप्री का जनरल रेट कितना? 20%. बट वो चार स्टेट्स याद आया हमने नौकर के मटेरियल से पढ़ा था. चार स्टेट्स कौन से? वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना. उसमें एडिशनल डेप्री का रेट कितना था? इट वॉज 35%. ओके, तो वो चार स्टेट्स को एक नया बेनिफिट ग्रांट किया बाय वे ऑफ सेक्शन 32 एडी. क्या बेनिफिट है आप जरा चेक करो. पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी मैन्युफैक्चरर. ओके, आपको जो अपना यूनिट एस्टैब्लिश करना है वो यूनिट आपका कहां पर एस्टैब्लिश करना है? इट इज बैकवर्ड एरिया ऑफ नोटिफाइड और स्पेसिफाइड स्टेट्स. चार स्पेसिफाइड स्टेट्स है उसके बैकवर्ड एरिया में आपको अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टेब्लिश करना है टू बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन एट द रेट 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी अक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. का मतलब एक नया स्पेशल डिडक्शन 32 एडी का आपको अवेलेबल होगा. वो डिडक्शन कितना होगा? इट वुड बी फ्रेंड्स वापस एक बार 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी. ओके, तो ये नया डिडक्शन फ्रेंड्स आपको अवेलेबल होगा. मैंने आगे इलुब्रेट किया है फ्रेंड्स कि एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं है. वो मैंने इलुब्रेट किया था फ्रेंड्स. इट इज जस्ट व्हाट? प्रीपोनमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन. 100 रुपए के ऊपर 120 का बेनिफिट प्रोवाइड करे ना, वो कुछ एडिशनल हुआ. 100 रुपए में से मुझे ऑब्वियसली 15 रुपीज के 20 रुपीज का बेनिफिट जो बाद में मिलने वाला हो जो मैं आज आपको अवेलेबल करता हूं, इट इज नॉट एडिशनल, इट इज जस्ट प्रीपोनमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन. बट ये 32 एडी इज रियल सेंस में कुछ एडिशनल, इट इज रियल सेंस में कुछ नया ज्यादा बेनिफिट आपको दिया है जो आप नोटिफाइड स्टेट्स के बैकवर्ड एरिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टैब्लिश करने जा रहे हो. तो फ्रेंड्स आपका रिडक्शन कितना होगा? इट इज 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ व्हाट? न्यू प्लांट एंड मशीनरी. रियल टर्म्स में, जेन्युइन टर्म्स में ये एडिशनल बेनिफिट फ्रेंड्स आपको अवेलेबल होने वाला है. पहले चार स्टेट्स के नाम याद रखने का ट्राई करो. वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना. तो ये चार स्टेट्स के बोलो बैकवर्ड एरिया में आपने यूनिट एस्टैब्लिश किया है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश किया है, तो आपका रिडक्शन कितना होगा? इट इज फ्रेंड्स 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट का डिडक्शन आपको बेनिफिट अवेलेबल होने वाला है. ये जेन्युइनली नया बेनिफिट है, ये जेन्युइनली एडिशनल बेनिफिट है. एडिशनल डेप्री जैसा हमारा फेक बेनिफिट नहीं है फ्रेंड्स. चलो चेक करो कौन से लोगों को अवेलेबल होगा. इट इज फ्रेंड्स एनी एसएससी, कोई भी एसएससी में भी इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप, एओपी कंपनी, कोई भी एसएससी इसका डिडक्शन, इसका बेनिफिट क्लेम कर पाएंगे. पॉइंट नंबर टू, कौन सी कंडीशंस आपको फुलफिल करने जो हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स. देखो सेटअप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट्स. हाँ मैं रिपीट करना चाहूंगा, वेस्ट बंगाल के कोई भी एरिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश करेंगे डिडक्शन नहीं मिलेगा. आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना के कोई भी जगह पे और कोई भी एरिया में यूनिट एस्टैब्लिश करोगे डिडक्शन का बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा फ्रेंड्स. उसके ये चार स्टेट्स के नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में जाके आपको यूनिट को एस्टैब्लिश करना है तब जाके आपको क्या अवेलेबल होने वाला है? डिडक्शन. ये आपको यूनिट एस्टैब्लिश कब करना है? इट इज सेटअप यूनिट ऑन और आफ्टर 1st April 2015. तो ऑब्वियसली ये डेट तो इतने कोई खास काम की रही नहीं बिकॉज आज हम 2020 में है. एंड लास्ट कंडीशन चेक करो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है. इट इज प्लांट एंड मशीनरी अक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड बिटवीन 1st April 2015 टू, आप चेक कर सकते हो, 31st March 2020. मतलब ये एक्चुअली देखा जाए तो हमारा लास्ट ईयर होगा, जो डिडक्शन को एनहांस नहीं किया गया, तो लास्ट ईयर होगा ऑफ टीचिंग, ऑफ लर्निंग, ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिडक्शन. बिकॉज फ्रेंड्स हमारा प्रीवियस ईयर 1920 है, हमारा ईयर खत्म हो जाएगा और रादर हो चुका है. इट इज फ्रेंड्स 31st March 2020. बट ये ईयर में भी किसी ने इंस्टॉल किया होगा
प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो बैकवर्ड एरिया ऑफ नोटिफाइड स्टेट्स में होगा उसको क्या मिलने वाला है 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट का डिडक्शन। बोलो क्लियर डन। मैं इस डिडक्शन के बाद खुश इसके लिए हूं बिकॉज ये कुछ जेन्युइनली नया बेनिफिट है, कुछ जेन्युइनली एडिशनल बेनिफिट एसएससी को ग्रांट किया गया है, एसएससी को प्रमोट करता है फ्रेंड्स। डन, मैं रिपीट करना चाहूंगा, चार कंडीशन। नंबर वन, कोई भी एसएससी को ये बेनिफिट अवेलेबल होगा। नंबर टू, आपको यूनिट एस्टेब्लिश करना है 1 अप्रैल 2015 के बाद। थर्ड, हमको जो चेक करना है इट इज फ्रेंड्स आपका प्लांट एंड मशीनरी जो अक्वायर करके आपको इंस्टॉल करना है वो ये ईयर में हो जाना चाहिए, इट इज फ्रेंड्स 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2020। एंड आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो आप एस्टैब्लिश करने जा रहे हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, इट इज नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज ऑफ दिस पर्टिकुलर फोर स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना। एंड जो डिडक्शन तो ऑब्वियसली हमको याद रखना ही पड़ेगा, इट इज फ्रेंड्स 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। बोलो डन, चकाचक, आगे बढ़ू मैं। चलो ध्यान से फ्रेंड्स देखो, ये असेट जो आपने परचेस की है प्लांट एंड मशीनरी जिसके ऊपर आपको 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट का डिडक्शन अवेलेबल किया गया, एक जेन्युइनली न्यू बेनिफिट है, जेन्युइनली एडिशनल बेनिफिट आपको ग्रांट किया गया है फ्रेंड्स। गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया है कि उसको आप 5 साल तक सेल नहीं कर सकते, कोई मेथड से ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऑब्वियसली गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दिया है तो गवर्नमेंट आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखेगी कि आपने जो भी न्यू प्लांटिंग मशीनरी अक्वायर करके इंस्टॉल किया है उसको आप प्रॉपरली मेंटेन करो, उसको आप प्रॉपरली यूज करो, उसका उसका जो भी बेनिफिट उस रीजन को होना चाहिए वो जेन्युइनली होना चाहिए फ्रेंड्स। तो लॉ ने इम्पोज कर दिया एक लॉक इन पीरियड। वॉट लॉक इन पीरियड? 5 years तक आप उस एसेट को ना सेल कर पाएंगे ना कोई मोड से ट्रांसफर कर पाएंगे, तो इतना आपको ध्यान में रखना है, ये आपका लॉक इन पीरियड है। पर हमारे वहां पे जब जब रिस्ट्रिक्शन इंपोज होता है ना तब तक हम ऐसा सोचते हैं सर लॉक इन पीरियड में सेल कर दिया तो उसका भी आंसर हमारे पास अवेलेबल है, चिंता ना करो। बट पहले एक लॉक इन पीरियड का प्रोविजन हम पढ़ लेते हैं। देखो सेक्शन 3282 provides that if any new plant and machinery acquired and installed by SSE is sold or otherwise transferred, either you are selling the asset or you are doing what? Transferring the asset in any way, except in connection with amalgamation, demerger or reorganization of business. हाँ friends, amalgamation हुआ, demerger हुआ, business का reorganization हुआ and आपको asset का transfer करना पड़ा और asset का transfer हो गया तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो 5 साल का locking period आपके लिए applicable होने वाला नहीं है। मैं repeat करना चाहूंगा, 2-3 exception, amalgamation चलेगा, demerger चलेगा, business का reorganization चलेगा, but इसके अलावा आपको कोई भी mode से asset को sell नहीं करना है, asset को transfer नहीं करना है, within what time? Within 5 years from date of its installation, जो दिन आपने asset को install किया ना friends, उसके 5 साल तक उसको आपको transfer sell नहीं करना है, but sir कर दिया तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अमलगमेशन होगा तो चलेगा, डीमर्जर होगा तो चलेगा, बिजनेस का रीऑर्गेनाइजेशन होगा तो चलेगा, बट अदरवाइज देन अमलगमेशन, अदरवाइज देन डीमर्जर, अदरवाइज देन बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफर करूं तो लॉ कहता है कितना रिडक्शन क्लेम किया था 15% एक्चुअल कॉस्ट का, 1 लाख की असेट होगी तो उसका 15% 15,000 का डिडक्शन आपने क्लेम किया था। लॉ ने बोला 15,000 का डिडक्शन आपको ग्रांट किया था, कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही है लॉक इन पीरियड की 5 साल की, जो भी डिडक्शन आपने पहले क्लेम किया था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया 1 लाख का 15% इज कम्स टू 15,000, दैट विल बी डीम्ड, सुनना केयरफुली, दैट विल बी डीम्ड टू बी योर इनकम। का मतलब जो आपने पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 लाख रुपए का 15% 15,000 रुपए को डेबिट किया था, जिस साल में आपने सेट को ट्रांसफर किया, जिस साल में आपने सेट को सेल किया, वो आपकी यहां पे क्या मानी जाएगी? इनकम। मतलब 15,000 जो डिडक्शन आपने क्लेम किया दैट विल बी डीम टू बी व्हाट? इनकम। एंड असेट सेल करने से, सुनना केयरफुली, असेट सेल करने से जो प्रॉफिट हुआ उसका तो टैक्सेबिलिटी होगा ही होगा। सपोज 1 लाख रुपए की असेट आपने 3 लाख में बेची तो उसका जो भी गेन होगा वो तो पे करना ही पड़ेगा, पता चला? ये तो आपने प्रोविजंस जो थे, जो कंडीशन कंटेन करते थे, वो आपने वायलेट किए, उसका कॉन्सिक्वेंस है कि जो डिडक्शन आपने पहले क्लेम किया था 1 लाख रुपए के ऊपर 15% के हिसाब से 15,000 रुपीज, दैट विल बी डीम्ड टू बी योर इनकम अंडर हेड पीजीपीपी। डन, चेक करो ध्यान से, द अमाउंट अलाउड एज डिडक्शन, व्हाट अमाउंट वाज अलाउड एज डिडक्शन? डिडक्शन वाज 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, कॉस्ट वाज रुपी 1 लाख, एग्जाम्पल में हमारे 15,000 का आपने यहाँ पे क्या क्लेम किया था? डिडक्शन, दैट वुड बी व्हाट? द अमाउंट अलाउड एज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच न्यू प्लांट एंड मशीनरी शैल बी डीम्ड
टू बी इनकम, उसको मान लिया जाएगा वो आपकी इनकम हो चुकी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम टैक्स के हिसाब से आपको करना पड़ेगा क्रेडिट, उसको इनकम के तौर पर आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। चार्जेबल टू टैक्स अंडर व्हाट पीजीबीपी of the previous year in which such new asset or new plant and machinery is sold or transferred। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया फ्रेंड्स ऑलरेडी आपको, जिस साल में सेल किया है, जिस साल में असेट का ट्रांसफर हुआ है, उस साल में उसका हम इनकम डीम करने वाले हैं। असेट को सेल किया है उसका जो भी गेन होगा वो तो भरना ही पड़ेगा कैपिटल गेन में। अब समझे, असेट का जो असेट को ट्रांसफर करने से जो गेन हुआ वो गेन के एडिशन में आपका ये इनकम हमने माना है अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। इन एडिशन टू टैक्सेबिलिटी ऑफ गेन्स अरिजिंग ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच न्यू प्लांट एंड मशीनरी, वो असेट को ट्रांसफर करने से जो गेन होगा उसकी टैक्सेबिलिटी तो डेफिनेटली होने वाली है, बट उसके एडिशन में आपका ये जो डिडक्शन आपने जो पहले क्लेम किया था वो क्या माना जाएगा, इनकम। बोलो क्लियर 32AD, एकदम सिंपल। चलो अभी फ्रेंड्स ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है कि जो चार बैकवर्ड एरिया के सॉरी चार स्टेट्स के नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज में जो अपने प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल किया है अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो आपका एडिशनल डेप्रिकेशन रेट कितना हो जाएगा 35%। क्लियर, ये हमको पता है। तो एडिशनल डेप्रिकेशन एट द रेट 35% इज टू बी अलाउड टू द असेसी सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट्स एंड अक्वायरिंग एंड इंस्टॉलिंग न्यू प्लांट एंड मशीनरी। तो ऑलरेडी डेप्रिसिएशन के हम डिस्कस कर दिया है, डेप्रिकेशन के दो एडिशनल डेप्रिकेशन के दो रेट्स है, वन इज जनरली 20% एंड यहाँ पे डिस्कस कर भी दिया था इट इज 35%। एंड हमको ये भी पता है कि इफ असेट इज अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज इन सेम प्रीवियस ईयर फॉर लेस देन 180 days आपका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ नॉर्मल 20 होगा तो 10 करंट ईयर में, 10 सब्सिक्वेंट ईयर में, 35 होगा तो 17.5 करंट ईयर में, 17.5 सब्सिडिंग ईयर में। सच एडिशनल डेप्रिसिएशन शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 17.5%, दैट इज 50% ऑफ 35% इफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी अक्वायर्ड इज put to use for the purpose of business for less than 180 days in the year of its acquisition and installation. The balance 50%, however, will be allowed in immediately succeeding financial year. It is already discussed in depreciation. यहाँ पे मैं reference लिख देता हूँ, आपके ध्यान में रहे। It is friends depreciation section 32. उसमें हमने इसको refer किया था while we were discussing additional depreciation. एग्जाम्पल हम शुरू करें, बहुत इंटरेस्टिंग सिंपल सा एग्जाम्पल, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। उसके पहले हमारा फोर्थ डिडक्शन एकदम मगर सख्त ध्यान जबरदस्त इस प्रोविजंस को साथ साथ में याद करने का ट्राई करो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये पूरे वीडियोस आप देख लोगे, बाद में शांति से खुद से रिफर करना शुरू करोगे, बाद में याद रखने का ट्राई करोगे। इतना टाइम ना फ्रेंड्स आईसीआई के पास है ना आपके पास है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है फ्रेंड्स। तो अब के अब वीडियो देखो, फटाफट याद रखने का साथ साथ में ट्राई करो। एक डिडक्शन खत्म हो, आंख बंद करके फटाफट फटाफट पिक्चर याद कर लेने का क्या क्या इस डिडक्शन में हमको याद रखना है। डन, चलो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कोई भी ऐसे को डिडक्शन मिलेगा। नंबर टू, आपका यूनिट एस्टेब्लिश करना है 1 अप्रैल 2015 के बाद, ये इतना एग्जांपल स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 अप्रैल 15 कोई खास चिंता नहीं करने की। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपका प्लांटिंग मशीनरी आपको अक्वायर करके इंस्टॉल करना है ड्यूरिंग दिस ईयर विच इज लेट अस से 1 अप्रैल 15 से लेके 31 मार्च 2020। कहां पे इंस्टॉल करना है आपको प्लांटिंग मशीनरी, तो आपने जहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश किया है विच इज बैकवर्ड नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज इन 4 स्टेट्स विच इज वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, तो डिडक्शन आपको मिलेगा विच इज 1/5 15% of actual cost। ये genuinely नया benefit है, genuinely additional deduction आपको available होने वाला है। Next आप check करो, ये asset जो आपने purchase की है, plant and machinery, new plant and machinery, जिसके ऊपर आपने deduction claim किया है 15% of actual cost, वो आपका lock-in period applicable करेगा 5 years का, 5 साल तक उसको आप sell कर सकते नहीं हो। amalgamation होगा, चलेगा, demerger होगा, चलेगा, business का reorganization होगा, चलेगा, but otherwise then amalgamation, demerger, business reorganization, आप asset को transfer नहीं कर सकते, असेट को सेल नहीं कर सकते। जो आपने ऐसा कर दिया, जो आपने असेट को विद इन 5 years सेल ट्रांसफर कर दिया, तो आपका जो डिडक्शन हमने अवेलेबल किया था वो डीम टू बी इनकम माना जाएगा। इट इज अ डीमिंग फिक्शन इंपोज्ड बाय लॉ। जो आपने डिडक्शन क्लेम किया था वो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे इनकम। बोलो क्लियर। एंड जो उसके ट्रांसफर से जो नॉर्मल गेन होगा वो तो लगेगा ही लगेगा, पर जो डिडक्शन आपने पहले क्लेम किया था वो क्या माना जाएगा, आपका इनकम। एंड इस पर्टिकुलर केस में जो चार स्टेट्स के नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज है वहां पे आपका जो एडिशनल डेप्रिसिएशन रेट प्रिवेल होगा वो कितना होगा, 35%। तो 17.5 करंट ईयर में, 17.5 सब्सिक्वेंट ईयर में इसका डिडक्शन आपको अवेलेबल एलिजिबल होने वाला है। बोलो कोई तकलीफ फ्रेंड्स, एकदम चकाचक जा रहा है ना। डन, चलो वीडियो पॉज करने का टाइम आ चुका है। ये क्वेश्चन पहले आप खुद से ट्राई करोगे, बाद में आगे का वीडियो आप कंटिन्यू करोगे फ्रेंड्स। चलो खुद से क्वेश्चन ट्राई करो।
चलो फ्रेंड्स ट्राई हो गया क्वेश्चन बरोबर परफेक्ट कर दिया है ना चलो मैं स्टार्ट करता हूं मिस्टर एक्स सेट अप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन वारंगल इन स्टेट ऑफ तेलंगाना ऑन 1 June 2019 ओके तो उसने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश किया है वो 31 March 2020 के पहले कर दिया है बहुत अच्छा किया ही इट इन्वेस्टेड ₹30 crore इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1 June 2019 तो फ्रेंड्स ये न्यू प्लांट एंड मशीनरी का डिडक्शन हमको अवेलेबल हो सकता है फर्दर ही इन्वेस्टेड 25 crore इन प्लांट एंड मशीनरी ओ वापस एक बार इन्वेस्टमेंट किया वो भी सेम ईयर में विच इज 1 November 2019 वाह गजब आउट ऑफ विच 5 crore वॉज सेकंड इन प्लांट एंड मशीनरी अरे बाप रे बाप देखो रिक्वायरमेंट क्या है पता है फ्रेंड्स सेक्शन 32D प्रोवाइड्स दैट न्यू प्लांट एंड मशीनरी ये यहां पे भी मैंने आपको बताया था इट इज फ्रेंड्स न्यू प्लांट एंड मशीनरी देखो ये न्यू प्लांट एंड मशीनरी एंड फ्रेंड्स एक बात बताना चाहूंगा जो लिखी नहीं है फ्रेंड्स यहां पे जो न्यू प्लांट एंड मशीनरी है उसका मतलब सेम टू सेम एज एडिशनल डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन में जैसे हमारे पास नेगेटिव लिस्ट था ना याद आया फ्रेंड्स एडिशनल डेप्रिसिएशन का नेगेटिव लिस्ट विच वॉज लेट अस सेकंड एंड प्लांट एंड मशीनरी बाद में प्लांट एंड मशीनरी विच इज इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रीमाइसेस रेसिडेंशियल अकोमोडेशन गेस्ट हाउस बाद में ऑफिस अप्लायंसेस रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल और कुछ जगह पर डिडक्शन मिल चुका मतलब ये जो नेगेटिव लिस्ट एडिशनल डेप्री को एप्लीकेबल है वो प्लांट एंड मशीनरी का सिमिलर नेगेटिव लिस्ट फ्रेंड्स इस चीज को भी एप्लीकेबल होने वाला है डन उतना ध्यान में रखना सेम नेगेटिव लिस्ट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन अप्लाइज टू दिस न्यू प्लांट एंड मशीनरी जिसका डिडक्शन हम 32AD में क्लेम करने जा रहे हैं उसको ऑल्सो डन ओके चकाचक चलो तो फ्रेंड्स देखो अभी हमारे क्वेश्चन में तो जो 25 करोड़ का नया प्लांट मशीनरी आपने परचेस किया है उसमें 5 करोड़ वॉज तो सेकंड हैंड प्लांट मशीनरी तो उसका डिडक्शन हमको अवेलेबल हो सकता नहीं है कंप्यूट क्या करना है चेक करो डेप्रिसिएशन अलाउबल अंडर सेक्शन 32 हमको तो डेप्री कंप्यूट करना है चलो कोई दिक्कत नहीं इफ इज मिस्टर एक्स एंटाइटल्ड फॉर एनी अदर बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इन्वेस्टमेंट एब्सोल्युटली यस 32AD इफ सो मतलब ये ऐसा लिखे ना मतलब डिडक्शन और आगे का बेनिफिट मिलता ही होगा फ्रेंड्स पता चला इफ यस इफ सो ऐसा लिखा हो तो डिडक्शन आगे बेनिफिट मिलता ही होगा व्हाट इज द बेनिफिट अवे ये बोलते बेनिफिट इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 32AD चलो हमको कंप्यूट करना है डेप्रिसिएशन अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ध्यान से देखो हम कंप्यूट करने जा रहे हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 32AD प्लस उसका डेप्रिसिएशन फ्रेंड्स मैंने पहले भी आपको बताया वापस एक बार बता देता हूं जब 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 हम डेप्री के साथ एडिशनल डेप्री कंप्यूट करेंगे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको कहां से शुरू करने का एडिशनल डेप्रिसिएशन ये पहले आपको ऑलवेज कंप्यूट कर ही देने का आंख बंद करके फ्रेंड्स इट इज एडिशनल डेप्रिसिएशन बाद में नहीं कंप्यूट करने का अभी ही कंप्यूट करने का एडिशनल डेप्रिसिएशन आई थिंक दो असेट है तो दो आपके हो जाएंगे हमारे एडिशनल डेप्रिसिएशन नंबर ए अब चेक कर सकते हो फ्रेंड्स हमारे इंफॉर्मेशन से फर्स्ट हमने जो असेट एक्वायर की वो 30 करोड़ की असेट एक्वायर की 1 June 2019 को असेट का एक्विजिशन हुआ है यहाँ पे एडिशनल डेप्री का रेट बोलो 35% एंड 1 June को अक्वायर हुआ है मीनिंग देयर बाय लेट अस से फुल 35% आपको 30 करोड़ रुपीस के ऊपर अवेलेबल होने वाला है तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेंशन कर देता हूं इट इज 30 करोड़ का 35% फुल एडिशनल डेप्री यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा सेकंड जो हमने असेट परचेस की है वो आप चेक कर सकते हो 25 करोड़ रुपीस की असेट है बट 5 करोड़ तो सेकंड हैंड है एडिशनल डेप्री वापस एक बार सेकंड हैंड मशीनरी के ऊपर अवेलेबल हो सकता नहीं है ओके बिकॉज वो नेगेटिव लिस्ट एडिशनल डेप्री का जो नेगेटिव लिस्ट है उसमें फर्स्ट क्या है सेकंड हैंड प्लांट है मशीनरी फ्रेंड्स तो ये 5 करोड़ के ऊपर आपको एडिशनल डेप्री का बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा डेप्री अवेलेबल होगा आप समझो सेकंड हैंड प्लांट मशीनरी के ऊपर डेप्री अवेलेबल होगा एडिशनल डेप्री अवेलेबल नहीं होगा एंड 35AD का जो डिडक्शन है वो भी अवेलेबल नहीं होगा गेटिंग माय पॉइंट एग्जैक्टली चलो तो ये 20 करोड़ रुपीस के ऊपर हमारा सेकंड एडिशनल डेप्रिसिएशन 20 करोड़ रुपीस के ऊपर बट ये असेट अक्वायर कब की है चेक की फ्रेंड्स आपने इट इज 1 November 2019 मीनिंग दरबाय इसके ऊपर आपको हाफ ऑफ नॉर्मल करंट टर्म अवेलेबल होगा विच इज 17.5% इज योर एडिशनल डेप्रिसिएशन चेक कर लो 30 करोड़ का 35% comes to 10.5 crore and friends up 20 crore ka 17.5% kar loge it is friends 3.5 crore jiska deduction aapko available hone wala hai then chalo ye additional depri ho gaya baad mein jo additional benefit aapko available hoga under section 32AD wo bhi zara compute kar dete hai तो इट इज सेक्शन 32AD का डिडक्शन कितना मिलेगा डिडक्शन इट इज फ्रेंड्स 15
15% of actual cost of new plant and machinery. Okay, chalo friends, what amount of new plant and machinery do we have? Ab check kar sakte ho. It is friends 30 crore plus what? 25 minus 5, which is 20 crore, because 5 is what? Second hand plant and machinery. So 30 plus 20 crore comes to what? 50 crore. So ye 50 crore ke upar 15% ka humko kya milne wala hai? 32 AD ka deduction. 50 ke upar 15% comes to friends 7.5 crore ka humko kya milne wala hai? 32 AD ka deduction. To ye 7.5 crore hamara additional benefit available ho gaya. Next last mein aayega hamara depreciation jo humko pucha hai, which is depre under section 32. So the block kaun sa hai friends hamara? Block is plant and मशीनरी. रेट अवेलेबल है कि पछी जनरल रेट कंप्यूट कर दे. फ्रेंड्स रेट्स अवेलेबल नहीं है तो जनरल रेट कितना होगा? इट इज 15%. ये हो गया फ्रेंड्स हमारा 15%. डन. चलो शुरू करते हैं फ्रॉम आवर ओपनिंग WDV. बोलो कुछ है हमारे पास ओपनिंग WDV? चेक करो. कोई ओपनिंग WDV एसएस तो फ्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है. जो भी किया वो परचेस ही किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. तो फ्रेंड्स देयर इज नो ओपनिंग WDV ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. नया ही ब्लॉक हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं. बट उसमें ऐड कर देंगे फ्रेंड्स हमारा एक्चुअल कॉस्ट. कितनी असेट हमने परचेस की उसमें दोनों ऐड करना पड़ेगा बिकॉज डेप्रिसिएशन तो दोनों के ऊपर फ्रेंड्स आपको अवेलेबल होगा 30 करोड़ एज वेल एज 25 करोड़. मीनिंग देयर बाय टोटल डेप्री आपको अवेलेबल होगा इट इज फ्रेंड्स ऑन 55 करोड़. कुछ सेल किया है? एब्सोल्युटली ना. नथिंग आई हैव सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. हो गया फ्रेंड्स हमारा WDV फॉर प्रीवियस ईयर. उसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन. फर्स्ट होगा नॉर्मल डेप्रिसिएशन एंड सेकंड होगा फ्रेंड्स हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन. किसी ने पूछा नहीं हमको पर दो भी हम तो कंप्यूट कर ही देंगे. एग्जाम में मत करना. इट इज फ्रेंड्स क्लोजिंग WDV. एडिशनल डेप्री कितना? वो तो खाली कॉपी पेस्ट ही करना है फ्रेंड्स ऊपर से, विच इज 10.5 प्लस 3.5. इट वुड बी व्हाट? 14. बराबर ना फ्रेंड्स? 10.5 3.5 अल्टीमेटली 14 करोड़ का मैं क्या क्लेम कर दूंगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन. नॉर्मल डेप्री कितना होगा? चलो हमारा WDV होगा फ्रेंड्स 55 करोड़ ऑफ रुपीज. ओके चलो हमारा नॉर्मल डेप्री ऐसे कैलकुलेशन होगा नॉर्मल डेप्रिसिएशन फ्रेंड्स. उसके लिए हमको चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल WDV विच इज 55 करोड़. इसमें से एक असेट ऐसी है जिसको हमने पुट टू यूज की है फॉर लेस देन 180 डेज. आप चेक कर सकते हो 25 करोड़ वाली असेट को मैंने 1st नवंबर को परचेस करके पुट टू यूज किया. तो 25 करोड़ के ऊपर मुझे हाफ ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन अवेलेबल होगा एंड 30 करोड़ के ऊपर मुझे फुल डेप्री अवेलेबल होगा. तो इसके ऊपर 25 करोड़ रुपीज के ऊपर अवेलेबल होगा हाफ ऑफ नॉर्मल विच इज फ्रेंड्स 7.5% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. एंड फ्रेंड्स जो 30 करोड़ रुपीज के ऊपर अवेलेबल होगा इट वुड बी फुल विच इज 15%. डन. चिकाचक. चलो चेक करो 25 करोड़ का 7.5% कम्स टू 1.875 करोड़. एंड फ्रेंड्स 30 करोड़ इंटू 15% कम्स टू 4.5 करोड़. क्लियर. आपका टोटल डेप्रिसिएशन जो होगा वो कितना होगा फ्रेंड्स? 1.875 CR प्लस 4.5 CR कम्स टू व्हाट? 4.5 प्लस 1.875 इट कम्स टू व्हाट? 6.375 करोड़ का हमको क्या मिलने वाला है? नॉर्मल डेप्रिसिएशन. तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन हमारा हो गया फ्रेंड्स 6.375 CR एंड एडिशनल डेप्री इट इज फ्रेंड्स 10.5 प्लस 3.5 कम्स टू व्हाट? 14 करोड़. ऐसा किसी ने पूछा तो नहीं है हमको. क्लोजिंग WDV मैंने पहले भी आपको बताया पर तो भी हम कंप्यूट कर देते हैं. इट इज 6.375 माइनस 14 करोड़. इट कम्स टू 34.625 करोड़. ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स? क्लोजिंग WDV. बोलो कुछ है खास? ना. एकदम सिंपल फ्रेंड्स 32 AD. ओके तो ये हमारा था 32 AD जो आपको कुछ रियली एडिशनल बेनिफिट अवेलेबल करता है 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ योर प्लांट एंड मशीनरी जो आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इंस्टॉल की है विच इज इन द नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज ऑफ 4 स्टेट विच इज वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार एंड तेलंगाना. देन फ्रेंड्स चलो परमिसिबल डिडक्शन में आगे बढ़ते हुए एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन इन रिलेशन टू एग्जाम पर्सपेक्टिव. गजब 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 इंपॉर्टेंट. इट इज फ्रेंड्स सेक्शन 35 विच इज एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च. हाई फ्रेंड्स
permissible deduction का एक बहुत important deduction which is section 35 exam perspective जबरदस्त relevant it spends expenditure on scientific research. क्या है ये समझो हम friends China जैसे नहीं हैं जो copy मारने में expert हैं government हमसे क्या expect करती है कि आप खुद से research करो आप खुद से develop करो आप खुद से exhaustive आपका let us say analysis research जो भी करना है करो उसमें से कोई product बनाओ and उसको आप finally क्या करो sell करके उसमें से profit कमाओ तो friends जो खुद से scientific research करते हैं ऐसे लोगों को promote करने के लिए उन लोगों को let us say benefit provide करने के लिए government ने ये deduction introduce किया है which is section 35 expenditure on scientific research. इसको फ्रेंड्स हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया फर्स्ट इज फ्रेंड्स ओन एक्सपेंडिचर सेकंड इज फ्रेंड्स कंट्रीब्यूशन इसका मतलब क्या फ्रेंड्स देखो मैं खुद से साइंटिफिक रिसर्च कर रहा हूं तो मैं खुद से एक्सपेंडिचर इनकर करूंगा मुझे रिसर्च करने के लिए कोई ना कोई खर्चा करना पड़ेगा मुझे कोई ना कोई पेमेंट करना होगा अलग-अलग अलग चीज के लिए अलग-अलग लोगों को तो फ्रेंड्स जो मैं खुद से साइंटिफिक रिसर्च करता हूं एंड मैंने जो भी एक्सपेंडिचर इनकर किए मे बी रेवेन्यू मे बी कैपिटल उसका मुझे क्या मिलने वाला है डिडक्शन अंडर विद सेक्शन 35 डन तो फर्स्ट पार्ट इज क्रिस्टल क्लियर टू अस मैं खुद से आइंस्टाइन का लेट अस से भाई बंधु आइंस्टाइन का फ्रेंड हूं आइंस्टाइन का रिलेटिव हूं एंड मैं खुद आइंस्टाइन पता है फ्रेंड्स बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो गया तो फ्रेंड्स लेट अस से मैं खुद से कर रहा हूं खुद से रिसर्च करने के लिए मुझे जो भी एक्सपेंडिचर इनकर करने पड़ेंगे मे बी रेवेन्यू मे बी कैपिटल उसका डिडक्शन फ्रेंड्स मुझे यहां पे अवेलेबल होगा एज ओन एक्सपेंडिचर. अभी चलो आपकी बात करते हैं फ्रेंड्स आप खुद से रिसर्च नहीं कर रहे हो आप तो और कोई बिजनेस करते हो एग्जांपल के तौर पे आपका समझो ना मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और आपका कोई और बिजनेस एग्जांपल के तौर पे तो फ्रेंड्स आप खुद से रिसर्च नहीं कर रहे हो जो रिसर्च कर रहा है ना उसको आप पैसे दे रहे हो उसको आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी पता चला वापस एक बार जो मैं खुद से रिसर्च करूं ऑन माय ओन एंड मैं जो एक्सपेंडिचर इनकर करूंगा उसका मुझे डिडक्शन अवेलेबल होगा इन दिस स्टेप व्हिच इज ओन एक्सपेंडिचर. बट आप खुद से रिसर्च नहीं कर रहे हो आप ऐसे लोगों को कंट्रीब्यूशन दे रहे हो आप ऐसे लोगों को डोनेशन दे रहे हो जो रिसर्च कर रहा है तो यू आर व्हाट बिग डोनर यू आर व्हाट बिग कंट्रीब्यूटर टू हुम मी हु इज डूइंग व्हाट रिसर्च वर्क तो आपको भी डिडक्शन अवेलेबल होगा बिकॉज़ अल्टीमेटली आप भी मुझे प्रमोट कर रहे हो आप भी मुझे इंस्पायर कर रहे हो पैसे देके पता चला मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हो तो आप जो मुझे कंट्रीब्यूशन देंगे उसका डिडक्शन फ्रेंड्स आपको अवेलेबल होगा अंडर विद सेक्शन सेम टू सेम व्हिच इज सेक्शन 35 एज व्हाट कंट्रीब्यूशन. तो साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35 दो पार्ट्स में डिवाइडेड वन इज ओन एक्सपेंडिचर जो मैं खुद से करूंगा रिसर्च वर्क कंडक्ट करने के लिए सेकंड इज कंट्रीब्यूशन जो आप मुझे कर रहे हो तो आपको भी डिडक्शन की एलिजिबिलिटी आएगी. दोनों को हम इन डेप्थ पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप हमारा फर्स्ट फोकस होगा इट इज फ्रेंड्स ओन एक्सपेंडिचर. फ्रेंड्स ओन एक्सपेंडिचर की कंडीशन ऐसी है कि रिसर्च मस्ट बी रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ द एसोसिएसी. एग्जाम्पल के तौर पे मेरा बिजनेस रोबोटिक्स का है एग्जाम्पल के तौर पे तो उसमें मुझे कुछ रिसर्च एक्टिविटी करनी है जो लेट अस से मेरा बिजनेस रोबोटिक्स का हो एंड मैं रिसर्च कर रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे समझो ना पानी के ऊपर तो डिडक्शन अवेलेबल हो सकता नहीं है फ्रेंड्स. देन तो रिसर्च मस्ट बी रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ द एसोसिएसी ये प्राइमरी कंडीशन हमारे पास अवेलेबल है. हाँ अब जब कंट्रीब्यूशन करेंगे तो आपके लिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है आप कोई भी बिजनेस करो आपके एग्जाम्पल के तौर पर किराना स्टोर हो और आप लेट अस से कोई सर्विस प्रोवाइडर हो आप और कुछ भी करते हो एंड मैं कुछ और करता हूं एंड आप मुझे कंट्रीब्यूशन देंगे तो डेफिनेटली इरिस्पेक्टिव के आपका जो भी कंट्रीब्यूशन है वो बिजनेस के साथ रिलेटेड है कि नहीं आपको डिडक्शन डेफिनेटली अवेलेबल होगा. मतलब जब ओन एक्सपेंडिचर करेंगे तब ध्यान में रखना है रिसर्च हैज टू बी रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ द एसोसिएसी बट इन केस ऑफ कंट्रीब्यूशन नो सच कंडीशन प्रिवेल्स. देन फर्स्ट ओन एक्सपेंडिचर बेसिक कंडीशन हमने डिस्कस कर ली रिसर्च has to be connected with the business of the SAC. जब ओन एक्सपेंडिचर की बात आती है फ्रेंड्स दो टाइप के एक्सपेंडिचर हम इंकर कर सकते हैं वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेकंड इज व्हाट कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर आर पॉसिबल रेवेन्यू एज वेल एज व्हाट कैपिटल. अभी देखो फ्रेंड्स जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात आएगी अभी देखो हमको क्या ऐसा समझना है अभी रिसर्च करके करना क्या है रिसर्च करके हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे हम कोई लेट अस से ऐसी चीज बनाएंगे जिसका हम बिजनेस कर सके जिसका हम अल्टीमेटली बिजनेस करके प्रॉफिट कमा सके एंड अल्टीमेटली हमारे पास पैसे आए अल्टीमेट तो वही पर्पस होगा कोई भी एक्टिविटी का फ्रेंड्स. अभी देखो तो फ्रेंड्स आज मैं रिसर्च करना शुरू करता हूं पर्पस बनने का ट्राई करें आज मैं रिसर्च करना शुरू करता हूं तो क्या इस साल में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाएगी इस साल में प्रोडक्ट डेवलप हो जाएगी ना उसको टाइम लग सकता है. तो लॉ ने क्या बोला आपका एक्सपेंडिचर जो भी आप इनकर कर रहे हो वो
एक रीजनेबल पीरियड के लिए हो सकता है, बाद में वो प्रोडक्ट डेवलप हो गई, बाद में उसका अपने मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी शुरू किया, बाद में आपने प्रॉफिट कमाना शुरू किया, रिसर्च कंटिन्यूएशन ही रहेगा बिकॉज प्रोडक्ट और डेवलप और डेवलप और डेवलप और डेवलप करने के लिए फ्रेंड्स होता है, पर प्रोडक्ट बेसिक डेवलप हो चुकी है, उसमें और रिसर्च 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 पॉसिबल हो सकता है। मतलब रिसर्च दो पार्ट्स में डिवाइडेड, मैंने रिसर्च में से प्रोडक्ट बनाई, बिजनेस कमेंस किया, उसके पहले भी रिसर्च पॉसिबल, उसके बाद भी रिसर्च पॉसिबल। बात क्यों? प्रोडक्ट को बेटर बनाने के लिए, पहले क्यों? प्रोडक्ट को बनाने के लिए। डन। तो फ्रेंड्स हमारा जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, बिजनेस कमेंसमेंट के पहले का, आप समझ रहे हो ना फ्रेंड्स, बिजनेस कमेंसमेंट के पहले का एक्सपेंडिचर, बिजनेस कमेंसमेंट के बाद का एक्सपेंडिचर। हमारे जो भी एक्सपेंडिचर हमने इनकर किए, मे बी रेवेन्यू, मे बी कैपिटल, जब ओन एक्सपेंडिचर की बात आ रही है तब तब हमारे एक्सपेंडिचर को दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, बिजनेस कमेंसमेंट के पहले का एक्सपेंडिचर, बिजनेस कमेंसमेंट के बाद का एक्सपेंडिचर। आप समझ रहे हो? चकाचक। डन। लो ने क्या बोला, बिजनेस कमेंसमेंट के पहले का एक्सपेंडिचर होगा तो एक रीजनेबल टाइम तुमको मिलेगा, कितना? 3 साल। बोलो चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी, कितना? 3 साल। मतलब मैं बिजनेस कमेंस करूंगा उसके पहले के जो भी मेरे पास 3 साल होंगे, बरोबर समझना, मैं बिजनेस कमेंस करूंगा उसके पहले के जो भी मेरे पास 3 साल होंगे उसमें जो भी मैंने एक्सपेंडिचर इनकर किया होगा उसका मुझे क्या मिलने वाला है? डिडक्शन। ओके, तो सर बिजनेस कमेंस किया उसके पहले के 3 साल के पहले का एक्सपेंडिचर हो तो ना, डिडक्शन अवेलेबल होने वाला नहीं है। बिजनेस कमेंस के पहले के 3 साल का हमको मिलने वाला है डिडक्शन, उसके पहले आपने एक्सपेंडिचर किया, वी आर सो सॉरी, डिडक्शन आपको एलिजिबल अवेलेबल होने वाला नहीं है। समझे फ्रेंड्स? चकाचक। डन। पहले चेक करो ओन कॉन्ट्रीब्यूशन, सॉरी ओन एक्सपेंडिचर एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ये हमारी बेसिक बातें हैं। ओन एक्सपेंडिचर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पीरियड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मैंने बिजनेस कमेंस किया उसके पहले का एक्सपेंडिचर, एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट इज पोस्ट कमेंसमेंट बिजनेस पीरियड एक्सपेंडिचर, मतलब बिजनेस मैंने कमेंस किया उसके बाद का एक्सपेंडिचर। चलो बिजनेस के पहले का, बिजनेस कमेंसमेंट के पहले का एक्सपेंडिचर, ध्यान से। तो मैंने आपको पहले भी बताया 3 साल का ये पीरियड आपको अलाउ होगा। मतलब सपोज मैंने बिजनेस कमेंस किया, एग्जाम्पल के तौर पर 1 जनवरी 2020 को मेरा बिजनेस कमेंस होता है, तो कौन से पीरियड तक का मुझे डिडक्शन अवेलेबल होगा? 31 मार्च 2019 को ये पीरियड खत्म होगा, तो शुरू कब होगा? 31 मार्च 2016 को, 16 से लेकर 17, 18, 19, समझ में आया फ्रेंड्स? ये पीरियड तक मुझे डिडक्शन अवेलेबल होगा, समझ रहे हो ना? 31 मार्च 16 से लेकर फर्स्ट ईयर खत्म होगा, 31 मार्च कैसे आ गया, 31 दिसंबर आएगा ना फ्रेंड्स, इट वुड बी, ये बरोबर था, सॉरी ये परफेक्ट था, 1 जनवरी परफेक्ट था, यहाँ पे फ्रेंड्स 31 दिसंबर आएगा, 31 दिसंबर आएगा, 31 दिसंबर 2019 तक का डिडक्शन, मतलब तब उसके पीरियड तक का मुझे एक्सपेंडिचर जो भी मैंने इनकर किया होगा उसका डिडक्शन अवेलेबल होगा। एंड ये भी क्या रहेगा, 31 दिसंबर 2016, मतलब 31 16 से लेकर 31 दिसंबर 17 17 से लेकर 18 18 से लेकर 19, तो ये 3 साल तक मुझे क्या मिलने वाला है? इस 3 साल में मैंने जो भी एक्सपेंडिचर इनकर किया होगा रेवेन्यू नेचर का उसका मुझे क्या मिलने वाला है? डिडक्शन। पॉइंट नंबर टू, कोई भी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा। दो एक्सपेंडिचर आप इनकर करोगे तब जाकर उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा। कौन से दो एक्सपेंडिचर? जरा चेक करो, इट इज सैलरी टू रिसर्च पर्सनल, अपने जो भी एम्प्लॉइज अपने वहां पे रखे होंगे उनको जो भी आप सैलरी पे कर रहे होंगे उनका डिडक्शन, उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा। एंड नंबर टू, रिसर्च करने के लिए कोई रॉ मटेरियल तो लाना पड़ेगा, कुछ इनपुट्स तो लाने पड़ेंगे, उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा। इट इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और मटेरियल इनपुट्स फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? साइंटिफिक रिसर्च। मतलब ये जो दो एक्सपेंडिचर है उसका ही आप क्या क्लेम कर पाएंगे? डिडक्शन। बाकी फ्रेंड्स आपको डिडक्शन अवेलेबल होने वाला नहीं है। डन। चलो शुरू करते हैं सेक्शन 35 विच इज साइंटिफिक रिसर्च। चलो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट इज फ्रेंड्स ओन एक्सपेंडिचर, सेकंड इज फ्रेंड्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ओन एक्सपेंडिचर वापस एक बार दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, वन इज कैपिटल, सेकंड इज रेवेन्यू। बट फ्रेंड्स ये डिस्कशन करना शुरू करें उसके पहले, जब ओन एक्सपेंडिचर की बात आएगी, रिसर्च हैज टू बी रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द एसेसी, ये मेरा बिजनेस के साथ कनेक्टेड रिसर्च हो तब जाकर उसका डिडक्शन मुझे अवेलेबल होगा। रेवेन्यू कैपिटल दो पार्ट में उसका डिविजन है, रेवेन्यू को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया, कि मैं बिजनेस कमेंस करूंगा उसके पहले का एक्सपेंडिचर, प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर, एंड बिजनेस कमेंस करूंगा उसके बाद का एक्सपेंडिचर, हमने डिस्कशन करना
शुरू किया है बिजनेस कमेंस कर उसके पहले का एक्सपेंडिचर 3 साल तक का डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा 3 साल के पीरियड में जो भी आपने लेटेस्ट एक्सपेंडिचर इनकर किया होगा उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा फ्रेंड्स कौन सा एक्सपेंडिचर व्हाट वुड बी नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंडिचर यहां पे कवर किए गए हैं इट इज सैलरी टू रिसर्च पर्सनल आपने जो भी रिसर्च पर्सनल रखे होंगे अपने वहां पे उनको जो भी आपने सैलरी पे की उसका डिडक्शन नंबर 2 आपने जो भी इनपुट्स मटेरियल्स परचेस किए होंगे उसका जो भी खर्चा हुआ उसका आपको क्या मिलने वाला है यहां पे डिडक्शन एंड द थर्ड पॉइंट यहां पे हमको ध्यान में रखना है अमाउंट मस्ट बी सर्टिफाइड बाय whom बाय द प्रिस्क्राइब्ड अरे बाप रे अमाउंट मस्ट बी सर्टिफाइड बाय whom प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी फ्रेंड्स जो उसकी अथॉरिटी है उनसे आपको परमिशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी उनको उनके साथ आपको लेटर से डॉक्यूमेंट्स पेश करने होंगे वो जितना आपको सर्टिफाई करेंगे उतना ही आपको क्या मिलने वाला है डिडक्शन ओके तो अमाउंट का सर्टिफिकेट वहां से आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी एग्जाम्पल के तौर पे आपने 1 लाख का खर्चे का आपने लेटर से वहां पे वाउचर्स रखे बट 1 लाख की जगह आपको खाली मिला कितना अप्रूवल तो क्या 60,000 का अप्रूवल तो 60,000 का ही आपको क्या मिल सकता है डिडक्शन बाकी जो 40,000 हुआ सॉरी आपको डिडक्शन अवेलेबल हो सकता नहीं है बोलो क्लियर 3 पॉइंट ध्यान में रखना है हमको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिजनेस कमेंस किया उसके पहले का एक्सपेंडिचर बिजनेस कमेंसमेंट के पहले का एक्सपेंडिचर इट इज फ्रेंड्स 3 साल के पीरियड का डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा बिजनेस कमेंस के पहले के 3 साल का डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा 2 एक्सपेंडिचर का डिडक्शन आपको अवेलेबल हो सकता है सैलरी टू लेट अस से रिसर्च पर्सनल एंड नंबर 2 इट इज परचेज ऑफ मटेरियल इनपुट्स फॉर द पर्पज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड अमाउंट मस्ट बी सर्टिफाइड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग व्हाट डिडक्शन ओके ऐसा क्वेश्चन मन में आता है सर कौन से साल में ये डिडक्शन हमको अवेलेबल होगा तो डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जिस साल में बिजनेस को कमेंस करोगे ना फ्रेंड्स उस साल में इसका क्या मिलने वाला है डिडक्शन मतलब जिस साल में आपने बिजनेस कमेंस किया तो अगले 3 साल का जो भी खर्चा इस 2 पर्पस के लिए किया होगा उसका डिडक्शन बिजनेस ईयर कमेंसमेंट में आपको अवेलेबल होने वाला है क्लियर चकाचक डन एंड फ्रेंड्स पोस्ट कमेंसमेंट बिजनेस पीरियड एक्सपेंडिचर ये तो एकदम सिंपल इट इज एब्सोल्युटली अलाउड एज व्हाट डिडक्शन जितना भी खर्चा किया कोई चिंता नहीं करने की एक्सपेंडिचर का नेचर नहीं चेक करने का कि सैलरी है परचेज ऑफ मटेरियल इनपुट्स है नो कोई भी एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया इसका क्या क्लेम कर पाएंगे डिडक्शन नेक्स्ट हमको ध्यान में रखना है कि प्रिस्क्राइब अथॉरिटी की परमिशन की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जितना भी खर्चा किया फ्रेंड्स आपने फुल्ली इट इज अलाउड एज व्हाट डिडक्शन बोलो चकाचक डन ओके तो फ्रेंड्स देखो हमको ध्यान में रखना है साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35 इतना ध्यान में रखने का फर्स्ट इज ओन एक्सपेंडिचर सेकंड इज कंट्रीब्यूशन जब बात आती है ओन एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर मस्ट रिलेट टू योर बिजनेस एंड ओन एक्सपेंडिचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया रेवेन्यू कैपिटल रेवेन्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया बिजनेस कमेंसमेंट के पहले का एक्सपेंडिचर बिजनेस कमेंसमेंट के बाद का एक्सपेंडिचर बाद का तो जो भी खर्चा करेंगे फुल्ली अलग होने वाला है डिडक्शन बट जो बिजनेस कमेंसमेंट के पहले का एक्सपेंडिचर होगा 3 पॉइंट ध्यान में रखने के 3 इयर्स का जो भी पीरियड होगा ये ड्यूरेशन होगा उसमें आपने जो भी खर्चा किया उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा 2 एक्सपेंडिचर आपको एलिजिबल होंगे 40 पर्पस ऑफ डिडक्शन फर्स्ट इज सैलरी टू रिसर्च पर्सनल एंड नेक्स्ट इज परचेज ऑफ मटेरियल इनपुट्स फॉर द पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च अमाउंट मस्ट बी सर्टिफाइड बाय द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी जिस साल में आपने बिजनेस को कमेंस किया उस साल में ये डिडक्शन आपको अवेलेबल अलाउ होने वाला है पोस्ट कमेंसमेंट तो एकदम सिंपल फुल्ली जो भी आपने खर्चा किया उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा बोलो कोई तकलीफ ना डन आगे बढ़ू चलो नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर ओन एक्सपेंडिचर में सेकंड पार्ट हमारा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर वापस एक बार उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा बिजनेस कमेंस किया उसके पहले का एक्सपेंडिचर बिजनेस कमेंस किया उसके बाद का एक्सपेंडिचर बिजनेस कमेंस किया उसके पहले का एक्सपेंडिचर जब भी बात आई है इट इज पीरियड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बिजनेस आपने कमेंस किया उसके पहले का एक्सपेंडिचर फ्रेंड देखो 3 साल का डिडक्शन आपको मतलब अलाउड होगा जैसे रेवेन्यू में था सिमिलरली यहाँ पे कैपिटल में भी है बिजनेस कमेंस किया उसके पहले के जो भी 3 साल हमारे पास अवेलेबल होंगे उसमें जो भी आपने खर्चा किया कैपिटल बट एक्सेप्ट लैंड का डिडक्शन आपको अलग हो सकता नहीं है बिल्डिंग का मिलेगा प्लांट एंड मशीनरी का मिलेगा फर्नीचर का मिलेगा सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर एलिजिबल फॉर डिडक्शन मेड विद इन 3 इयर्स एक्सपेंडिचर आपका 3 साल में होना चाहिए बट लैंड का डिडक्शन वी आर सो सॉरी डिडक्शन अवेलेबल अलग हो सकता नहीं है एंड जब बात आती है फ्रेंड्स इन रिलेशन टू कैपिटल एक्सपेंडिचर पोस्ट कमेंसमेंट बिजनेस पीरियड एक्सपेंडिचर तो फ्रेंड्स फुल्ली अलाउड एज डिडक्शन एक्सेप्ट लैंड फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी बात होती है
बिकॉज ये भी बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज मैंने पहले भी आपको बताया है जनरली हम कैपिटल एक्सपेंडिचरिंग कर करते हैं हमको उसका डेप्रिसिएशन मिलता है। आज मैं इसी परचेस करूं मेरे बिजनेस में, आज मैं लेटर से कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेस करूं तो उसके ऊपर मुझे कौन सा डिडक्शन, डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 पता चला, ओके। बट जो मैं साइंटिफिक रिसर्च कर रहा हूं तो मैं कैपिटल एक्सपेंडिचरिंग कर करूंगा ना तो भी फुल डिडक्शन, तो भी फुल डिडक्शन, प्रायर पीरियड हो तो भी फुल, मतलब बिजनेस कमेंसमेंट के पहले का हो तो भी फुल, बिजनेस कमेंसमेंट के बाद तो भी मुझे डिडक्शन फुल अवेलेबल होने वाला है। समझ रहे फ्रेंड्स, बहुत बड़ी बात हो गई। जनरली मैं एसी परचेस करता तो मुझे एसी 1 लाख रुपए का 15,000 डिडक्शन अवेलेबल होता एज अ डेप्रिसिएशन, बट फ्रेंड्स यहाँ पे तो आपको पूरे पूरा 1 लाख, कितना गजब, पूरे पूरा 1 लाख विल बी एलिजिबल फॉर व्हाट, डिडक्शन। रेडी, चका चक डन, पूरे पूरा बोल दो एक बार। हाँ चलो मेरे साथ बोलने का ट्राई करो, सेक्शन बोल, सू बैठा है, क्या बैठे हो, सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च, दो पार्ट में डिवाइड करो, बोलो फर्स्ट इज व्हाट, ओन एक्सपेंडिचर, सेकंड इज व्हाट, कंट्रीब्यूशन। चलो ओन एक्सपेंडिचर को दो पार्ट में डिवाइड किया, रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया, बिजनेस कमेंसमेंट किया उसके पहले का एक्सपेंडिचर, बिजनेस कमेंसमेंट किया उसके बाद का एक्सपेंडिचर, बिजनेस कमेंसमेंट के पहले का एक्सपेंडिचर, पहले के 3 साल के पीरियड के लिए आपको डिडक्शन अलाउ होगा। पॉइंट नंबर 2, अपने कौन सा खर्चा डिडक्शन के तौर पे अलाउ होगा, इट इज सैलरी, एंड नेक्स्ट इज रॉ मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, एंड प्रिस्क्राइब अथॉरिटी की अप्रूवल चाहिए होगी फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन। कौन से में डिडक्शन अवेलेबल होगा, जिस साल में बिजनेस कमेंस करोगे, जिस साल में आप बिजनेस कमेंस करोगे उस साल में डिडक्शन अवेलेबल होगा। रेवेन्यू पोस्ट पीरियड एक्सपेंडिचर, पोस्ट बिजनेस कमेंसमेंट पीरियड एक्सपेंडिचर फुल्ली अलाउड एज व्हाट, डिडक्शन। जब बात आती है फ्रेंड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर की, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, बिजनेस कमेंस किया उसके पहले का एक्सपेंडिचर, बिजनेस कमेंस किया उसके बाद का एक्सपेंडिचर, दोनों में एक्सेप्ट लैंड, दोनों में एक्सेप्ट लैंड है, एंड मतलब प्रायर पीरियड में चेक करो, 3 साल का जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो आपको ना होगा एक्सेप्ट लैंड, एक्सेप्ट लैंड। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे चेक किया, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी की परमिशन की बात नहीं है, आप रेवेन्यू में चेक करो, रेवेन्यू में फ्रेंड्स क्या था कि आपने जो भी एक्सपेंडिचर इंकर किया रेवेन्यू में प्रायर पीरियड में, आपने जो भी एक्सपेंडिचर इंकर किया उसमें प्रिस्क्राइब अथॉरिटी की परमिशन रिक्वायर्ड थी, अथॉरिटी जो भी प्रिस्क्राइब थी उसकी परमिशन आपको चाहिए, एंड वो जो भी अमाउंट सर्टिफाई करेगी वही डिडक्शन के तौर पे आपको अलाउ होगा। फ्रेंड्स कैपिटल में ऐसी कोई चिंता नहीं, जितना भी आपने खर्चा किया स्ट्रेट अवे यू मे क्लेम डिडक्शन विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ अमाउंट बाय द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे पोस्ट कमेंसमेंट में फुल डिडक्शन अवेलेबल होगा, जो नॉर्मली लोगों को डेप्रिसिएशन मिलता, आप साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो तो फुल डिडक्शन आपको अवेलेबल अलाउ होने वाला है, बट एक्सेप्ट 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 लैंड, लैंड का डिडक्शन सो सॉरी आपको अलाउ हो सकता नहीं है। देन एक एकदम लॉजिकल बात है फ्रेंड्स, देखो आपने सेक्शन 35 में लेटर से उसका फुल डिडक्शन क्लेम कर दिया हो तो उसका डेप्रिसिएशन फ्रेंड्स ऑब्वियसली 100% आपको अलाउ हो सकता नहीं है। बोलो लॉजिकल है ना, दो दो बेनिफिट एक साथ आपको थोड़ी मिलेंगे, गार्डन थोड़ी है हमारा, तो फ्रेंड्स ये डिडक्शन आपको मिल चुका हो सेक्शन 35 का, देयर इज नो डेप्रिसिएशन। चकाचक डन, ओके। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अनअब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। चलो समझाता हूं, देखो क्या हुआ, मस्ट पॉइंट ऑफ ध्यान से, डेप्रिसिएशन के टाइम ये एक्सप्लेन किया था, वापस एक बार उसकी ग्लिम्स। फ्रेंड्स माय प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल टू अस, प्रॉफिट बिफोर डेप्री लेटर से 100 रुपीज का है मेरा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। फ्रेंड्स मैंने डेप्रिसिएशन मैंने कंप्यूट किया था एज पर सेक्शन 32, डेप्री मैंने कंप्यूट किया है, इट इज फ्रेंड्स अंडर सेक्शन 32, कितना मेरा डेप्रिसिएशन है लेटर से 250 रुपीज का। चलो मुझे बताओ मेरा बिजनेस लॉस कितना, एक्सप्लेन कर दिया है फ्रेंड्स मैंने आगे ऑलरेडी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ मेरा बिजनेस लॉस कितना। चलो चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी बैठ रहे हो, नील My business loss would be absolutely nil. तो फ्रेंड्स जो negative 150 मेरे पास बचा वो क्या हुआ, वो हुआ फ्रेंड मेरा unabsorbed depreciation. जो 150 मेरे पास negative amount बचती है, this what friends unabsorbed depreciation. Ready? चकाचक done. तो ये depreciation की जैसे मैंने treatment की ना, unabsorbed 150 लेके आए, same treatment is for unabsorbed साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर। जबरदस्त वर्ड है अनअब्सॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च, बोलो बोलो कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझाओ फ्रेंड्स देखो क्या हुआ, सपोज माय प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 इज लेट अस 500, ओके। एंड फ्रेंड्स मैंने सेक्शन 35 में कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया है, मैं बात कर रहा हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना किया है, लेटर से 2000 रुपए का मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया हुआ है।
Okay, so what is my business loss? My business loss is nil. Sir, क्यों? Minus 1500 आना चाहिए. ना ना ना. ये मेरा capital expenditure unabsorbed रह जाएगा. It is same as depreciation. दोनों का same to same treatment. दोनों सग्गे भाई हैं. Okay? तो friends, मेरे पास जो भी negative 1500 रुपए बचेगा, वो क्या होगा? Unabsorbed scientific research capital expenditure. तो जैसा unabsorbed debris का treatment है, जिसको हम unlimited number of years तक, याद करो, unlimited number of years तक carry forward कर सकते हैं, उसको कोई भी हेड के सामने set off कर सकते हैं, except salary. Similarly, it is unabsorbed scientific research capital expenditure. Same to same treatment होगा, copy paste treatment. Unlimited number of ways तक उसको आप carry forward कर पाएंगे. Point number two, इसको कोई भी head के सामने set off कर पाएंगे, except what? Salary. चका चा, एकदम सिंपल, याद रहेगा ना friends? चलो, तो ये हो गया हमारा unabsorbed capital expenditure on scientific research, जो आप चेक कर सकते हो. Unabsorbed capital expenditure on scientific research treatment is same to same as what? Unabsorbed depreciation. Clear? एकदम सिंपल. चलो फ्रेंड्स, ये बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है जो हमको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा. सेल ऑफ असेट यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, आई थिंक इसको लास्ट में कंसीडर करेंगे, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा. अभी हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कंट्रीब्यूशन की. अभी देखो, साइंटिफिक रिसर्च दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ओन एक्सपेंडिचर रेवेन्यू कैपिटल प्री पोस्ट डिस्कस कर दिया. नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स ऑल अबाउट कंट्रीब्यूशन. मैंने तो रिसर्च किया है, ओन एक्सपेंडिचर रेवेन्यू कैपिटल, बट आपने रिसर्च नहीं किया, आपने ऐसे लोगों को कंट्रीब्यूट किया जो साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं. आप समझ रहे हो, आपने ऐसे लोगों को कंट्रीब्यूट किया हु आर डूइंग व्हाट? साइंटिफिक रिसर्च. तो फ्रेंड्स आपको भी डिडक्शन की एलिजिबिलिटी आएगी. कितना? ध्यान से, नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च. And so you are contributing for scientific research to whom? Research association, university, college, other institution. So reduction आपका है जबरदस्त है. It is friends 150%. Meaning thereby, आप contribute करो 100 रुपी, आपको deduction मिलेगा 150 रुपी. फिर इसको बोलेंगे सॉरी वेटेड डिडक्शन. नॉर्मल जो वेट है 100 रुपए का, 100 रुपए जितना, उतना नहीं, उससे ज्यादा वेटेड डिडक्शन 150 रुपए का आपको एलिजिबल अवेलेबल होगा. 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन है, 150 का डिडक्शन फ्रेंड्स आपको अवेलेबल होने वाला है. डन. तो इफ यू आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर साइंटिफिक रिसर्च टू रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशन, वेटेड डिडक्शन 150 का अवेलेबल होगा. जिन दो चीज में आप गुमराह ना हो जाओ उतना उसका ध्यान रखने का. अप्रूव्ड नोटिफाइड कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इसको बोलेंगे 35(1)(2)A. जो नोटिफाइड कंपनी साइंटिफिक रिसर्च के लिए है उसको आपने कंट्रीब्यूशन दिया है तो 100% डिडक्शन की एलिजिबिलिटी आपको आने वाली है. मेजोरिटी आप चेक करेंगे तो ये ध्यान में रखना होगा आपको, साइंटिफिक रिसर्च के लिए कंट्रीब्यूशन किया, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट, साइंटिफिक रिसर्च के लिए कंट्रीब्यूशन किया होगा, 150% का वेटेड डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा. अभी देखो फ्रेंड्स, सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च होगा, बरोबर समझना. नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, आगे जो डिस्कस किया वो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च इन सोशल और स्टैटिस्टिकल रिसर्च, सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च, तो डिडक्शन 100% का अवेलेबल होगा. 1,00,000 रुपए कंट्रीब्यूट करेंगे तो 1,00,000 का डिडक्शन, 2,00,000 रुपए कंट्रीब्यूट किए तो 2,00,000 का डिडक्शन. कोई फायदा नहीं है पर नुकसान भी तो नहीं है. ओके, तो जितना भी कंट्रीब्यूशन उतना आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन. लास्ट आप चेक करो, इज अप्रूव्ड नेशनल लेबोरेटरी यूनिवर्सिटी IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्पेसिफाइड पर्सन टू बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च अंडरटेकन अंडर अप्रूव्ड प्रोग्राम. सिंपल वर्ड्स में आप याद रखो, नेशनल लेबोरेटरी IIT. डिडक्शन कितना मिलेगा आपको? 150%. वापस एक बार, वेटेड डिडक्शन, 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया, 150 रुपीज का डिडक्शन, 2,00,000 रुपए कंट्रीब्यूट किया, 3,00,000 रुपए का मिलने वाला क्या है? डिडक्शन. बोलो क्लियर? मेजर ध्यान में रखो, साइंटिफिक रिसर्च के लिए कंट्रीब्यूशन किया 150% डिडक्शन, नेशनल लेबोरेटरी IIT के लिए कंट्रीब्यूशन किया 150% डिडक्शन, सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च होगा 100% डिडक्शन की एलिजिबिलिटी आपको आने वाली है. डन. चकाचक. आई थिंक यू आर गेटिंग एग्जैक्टली व्हाट आई मीन टू कन्वे.
दो बातें मगज में फिट कर दो, बाद में लाइफ में आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। चलो 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 ध्यान से, साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35 दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ओन एक्सपेंडिचर कंट्रीब्यूशन। ओन एक्सपेंडिचर दो पार्ट्स में डिवाइड करो, चलो फटाफट। ओन एक्सपेंडिचर रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, बिजनेस कमेंसमेंट के पहले का एक्सपेंडिचर, पोस्ट कमेंसमेंट बिजनेस पीरियड एक्सपेंडिचर। बिजनेस कमेंसमेंट किया उसके पहले का एक्सपेंडिचर 3 साल तक अलाउड। पॉइंट नंबर 2, सैलरी जो आपने रिसर्च पर्सनल को दी होगी वो अलाउड, रॉ मटेरियल जो आपने रिसर्च पर्पज के लिए परचेस किया वो अलाउड, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी की परमिशन यहाँ पे आपको ऑब्टेन करनी पड़ेगी। डिडक्शन कौन से ईयर में अवेलेबल होगा, इन द ईयर इन विच बिजनेस इज कमेंस्ड, जिस समय आपका बिजनेस कमेंस होता है उस समय डिडक्शन आपको अवेलेबल अलाउ होने वाला है। पॉइंट नंबर 2, जब रिसर्च की बात हो रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, इफ इट इज पोस्ट कमेंसमेंट जितना भी आपने खर्चा किया होगा फुल डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा। जब बात आती है फ्रेंड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्री कमेंसमेंट पोस्ट कमेंसमेंट। प्री कमेंसमेंट अगेन 3 साल बिजनेस कमेंस करो उसके पहले के 3 साल का डिडक्शन आपको मिलेगा, एक्सेप्ट लैंड, इसके बाद थोड़ी परमिशन की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। अगेन जिस समय बिजनेस आप कमेंस करोगे उस समय इसका डिडक्शन आपको अवेलेबल अलग होने वाला है। एंड पोस्ट कमेंसमेंट 100% डिडक्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा। सो नॉर्मल लोगों को डेप्री मिलता है, आपको 100% मिलने वाला है एक्सेप्ट लैंड, एंड तो किसी को डेप्रिसिएशन अवेलेबल होता नहीं है। देन जब कॉन्ट्रीब्यूशन की बात आई, इतना ध्यान में रखो साइंटिफिक रिसर्च के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन है 150% इज वेटेड डिडक्शन। जब नेशनल लेबोरेटरी IIT की बात है 150% इज वेटेड डिडक्शन। सोशल स्टेटिस्टिकल रिसर्च की बात हो रही है 100% डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला है। बोलो क्लियर, चकाचक, बेसिक बातें क्लियर। एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट बाकी रहता है, पर वो हम शुरू करें उसको डिस्कस करें उसके पहले एक छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 18। चलो पहले आप खुद से सॉल्व करोगे, बाद में ही आगे का वीडियो मैं कंटिन्यू करूंगा फ्रेंड्स। चलो पॉज करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा, थोड़ा लेंथी है, पर आप सॉल्व कर दोगे मुझे विश्वास है। रफ में तो रफ में ट्राई करो, पर सॉल्व करने जैसा डेफिनेटली बेसिस के ऊपर है। चलो फ्रेंड्स सॉल्व करो खुद से। चलो फ्रेंड्स सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 18 एक्सक्लूसिवली आपके लिए। RG अ पार्टनरशिप फर्म कमेंस्ड प्रोडक्शन ऑन 1st December 2019। बिजनेस का कमेंसमेंट कब होता है, इट इज 1st December 2019। ओके, मतलब प्रोडक्शन उस दिन शुरू हुआ, मतलब ये ईयर कौन सा हो गया 1920। The firm has made the following expenditure on scientific research up to the year ending 31st March 2020. 31st March 20 तक की information हमारे पास available है। First आप चेक कर सकते हैं ABCDE में अलग-अलग information हमारे पास available है। करना क्या है वो पहले एक बार देख लेना है। Always compute or determine the amount of deduction available to the firm under section 35(1). For the assessment year 2021, previous year 1920, if scientific research is number A, related to or unrelated to business of the firm. देखो friends, जब scientific research related होगा, तब जाके own expenditure का deduction available होगा, contribution का तो दोनों केस में available होने वाला है, and जब अनरिलेटेड होगा तब जाके खाली कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा, खुद का जो भी रिसर्च आपने किया होगा उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल हो सकता नहीं है। अभी क्वेश्चन से देखना पड़ेगा कि ओन एक्सपेंडिचर के कंट्रीब्यूशन है। डन, चलो चेक करो ध्यान से। नंबर 1, ऑन 13th December 2019 द फर्म पेड ₹90,000 टू इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशन न्यू दिल्ली एंड अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन अंडर 35(1)(2) for the purpose of carrying out scientific research in natural science. मतलब you are contributing for what? Scientific research. तो ये contribution हुआ scientific research के लिए किया गया है। बोलो deduction का rate 150%। कितना contribution किया? 90,000 rupees का contribution किया है। तो इस situation में friends answer number 18 का number A कितने का deduction, कितने का contribution था, वापस एक बार चेक करो। इट वॉज 90,000 का हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो फ्रेंड्स 90,000 इंटू 150% जो आप चेक कर सकते हो, 90,000 का 150% 1,35,000 rupees का आपको क्या मिलने वाला है डिडक्शन फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। क्रिस्टल क्लियर, चकाचक। चलो नंबर B आगे बढ़ते हुए। On 21st December 2019, the firm paid ₹60,000 to Indian Institute of Management, Ahmedabad,
an approved institute under 3512 for the purpose of carrying out research in social or statistical science. बोलो social science or statistical research. तो उसके लिए deduction कितना मिलेगा? 100% for your contribution. 60,000 का आपने contribution किया है, आपको deduction 60,000 rupees का available होने वाला है. पर यहाँ पे weighted deduction available नहीं होगा. आपको simply जितना भी आपने contribution किया 60,000 rupees का, उसका आप क्या claim कर पाएंगे? Deduction. चल आगे बढ़े. Number C. On 10th Jan 2019, the firm paid ₹40,000 to approved national laboratory. बोलो बोलो 150% for carrying out programs on scientific research. तो friends ₹40,000 का 150% deduction वापस आपको available होने वाला है. बोलो चकाचक ready. तो friends 40,000 का 150% it comes to what? अगेन 60,000 का क्या मिलने वाला है फ्रेंड्स आपको? डिडक्शन. सिंपल. चलो आगे देखो. ऑन 23rd December 2019 द फर्म परचेस्ड. देखो देखो अभी ओन एक्सपेंडिचर की बात आई. ये डिडक्शन कब मिलेगा? जब रिसर्च इज रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ द असेसी. इतना ध्यान में रखना है. अ प्लॉट ऑफ लैंड. लैंड का डिडक्शन तो मिलने वाला है नहीं. ₹2 लाख लैंड का डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा. 2 days भूल जाओ. Later on, okay, building which was laboratory was constructed, cost of construction 170 and date of completion of construction was in our year which is March 1st 2020 to start in-house research. So in-house research karne ke liye land apne purchase ki 2 lakh rupees ki, uske upar apne let us say laboratory building banaya, it is 170,000. So friends, so 170 ka apka let us say own expenditure hai, uske aap kya claim kar payenge? Deduction. So friends, 170,000 straight away is eligible for what? Deduction. 2 lakhs, we are so sorry, land ka deduction aapko allow hone wala nahi hai. Chalo aage dekho dhyan se. Before the commencement of production, the firm had made the following revenue expenditure for its research laboratory. So friends, kuch revenue expenditure aapne production commence hua uske pehle kiya hai. Abhi dekho, pehle mujhe bata do, production commencement kab hua hai? It is 1st December 2019. Abhi dekho friends, 1st December 2019 की बात आई है तो अब इतना समझ लो. देखो फ्रेंड्स यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं 1st December 2019. तो फ्रेंड्स देखो एक मिनट. 1st December 2019 इसके पहले के 3 साल, मतलब देखो खत्म कब होंगे? इट इज 30 नवंबर 19 को हमारे ये 3 साल खत्म हो जाएंगे. तो शुरू कब हुए होंगे? 30 नवंबर 2016 के बाद 17 18 19. तो ये जो हमारे पास ये 3 साल है उसमें जो भी आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया होगा उसका डिडक्शन हमको अलाव होगा. अभी आप चेक करो एकदम ध्यान से और यहाँ पे लिख सकते हैं 1st डिसंबर ऑल्सो फ्रेंड्स. ओके 1st डिसंबर 2016 लिखना बेटर रहेगा. This friends, 1st December 2016 to 30th November 2019 इस पीरियड के लिए जो ये 3 साल हमारे पास अवेलेबल है वहां पे आपने जो भी एक्सपेंडिचर इनकर किया होगा उसका डिडक्शन हमको अलाव होगा. इंफॉर्मेशन से चेक करो. ये वापस एक बार ये पढ़ते हैं. बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन द फर्म हैज मेड द फॉलोइंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन फॉर इट्स रिसर्च लेबोरेटरी. एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी एंड परक्यूजिट्स to research personnel and research material during 12 months ending on 30th November 2016. मतलब आपका जो 12 months का period है वो 30th November 16 को end हो जाता है. 30th November 16 के बाद ये period commence होता है. तो वो तो 3 साल के पहले का period हो गया. Deduction available होने वाला नहीं है. अब समझ रहे हैं फ्रेंड्स मैं convey करना चाहता हूँ. जो period हमारे पास available हुआ 1st December 16 से लेके 30th November 2000 19 तक के पीरियड का डिडक्शन हमको अवेलेबल होगा. ये तो उसके पहले का पीरियड हो गया. डिडक्शन हमको अलाव हो सकता नहीं है. डन. तो ई मैं 1 कर दूं मैं तो आपको ध्यान रहे. ए बी सी डी ई हमने लिखा है उसमें 1 मैं क्या लिख दूं? नो डिडक्शन. क्लियर. 1 2 कितना है? 3 4 5 तक है. ओके 1 2 3 4 5 तक है. 5 तक मेंशन कर देता हूं सो शांति रहे.
ओके रेडी चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नंबर टू, फर्स्ट कलर डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं होगा बिकॉज थ्री इयर्स के पहले का पीरियड ये है. आगे चेक करो, एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी ऑफ रिसर्च पर्सनल फ्रॉम 1st December 2016 टू 30th November 2019. ये तीन साल का पीरियड है, ये तीन साल का पीरियड है. बिजनेस कमेंस किया, प्रोडक्शन शुरू किया, उसके पहले के तीन साल का पीरियड. सैलरी ऑफ रिसर्च पर्सनल, रेवेन्यू में ये अलाउड है, चिंता नहीं है. 61,000 ओके, बट प्रिस्क्राइब अथॉरिटी की परमिशन अमाउंट वाइज सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा. आउट ऑफ विच अमाउंट सर्टिफाइड बाय प्रिस्क्राइब अथॉरिटी वॉज वॉट जस्ट 42,000. तो देखो, एक तो प्रायर पीरियड के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू में भी आपने प्रिस्क्राइब अथॉरिटी की परमिशन ली, उन्होंने कितनी अमाउंट अप्रूव की, 42,000. तो फ्रेंड्स, आपका जो 42,000 होगा उसका हम यहाँ पे क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन. 42,000 विल बी अमाउंट ऑन विच यू आर एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन. आगे चेक करो नंबर थ्री, एक्सपेंडिचर ऑन प्रोवाइडिंग रेंट फ्री फ्लैट्स एंड क्लब फैसिलिटी टू रिसर्च पर्सनल फ्रॉम 1st December 2016 टू 30th November 2017. वापस एक बार, ये जो पीरियड है वो हमारे पीरियड में ही फॉल हो रहा है. आप चेक कर सकते हो फ्रेंड्स, इट इज 1st December 2016 से लेके कुछ पीरियड यहाँ पे मेंशनड है, विच इज 30th November 2017. ये 8,000 का एक्सपेंडिचर है. पर फ्रेंड्स, जब रेवेन्यू की बात आती है, खाली दो ही एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा, बोलो कौन सा. फर्स्ट इज सैलरी टू रिसर्च पर्सनल एंड नंबर टू रॉ मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च. बट आप ये चेक करो, इट इज रेंट फ्री फ्लैट्स, इट इज क्लब फैसिलिटी. तो दिस एक्सपेंडिचर आर नॉट सैलरी, दिस एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंट्स परक्विजिट्स, जिसको बोलेंगे पर्क्स और परक्विजिट्स. तो ये आपको डिडक्शन के तौर पे अलाउ हो सकता नहीं है. हाँ, सैलरी होती डेफिनेट डिडक्शन क्लेम करते, बट ये तो पर्क्स हो गए, परक्विजिट्स हो गए, डिडक्शन सॉरी अलाउ हो सकता नहीं है. थर्ड में क्या लिखो, सिंपली इट इज फ्रेंड्स नो डिडक्शन. बोलो आगे बढ़ो लाइफ में. नंबर फोर, एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च मटीरियल, रिसर्च मटीरियल अलाउड 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 फ्रॉम 1st December 2016 to 30th November 2019. वापस तीन साल का है ये, यस. 46,800 आउट ऑफ विच अमाउंट सर्टिफाइड बाई प्रिस्क्राइब अथॉरिटीज वॉट 34,800. तो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी जितना हमको अलाउ किया है, परमिशन दी है 34,800 की, उतना हम यहाँ पे क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन. तो फ्रेंड्स, 34,800 विल बी द अमाउंट एलिजिबल फॉर द पर्पज ऑफ वॉट, क्लेमिंग डिडक्शन. नेक्स्ट चेक करो, लास्ट नंबर फाइव, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च विच इज नॉट सर्टिफाइड बाई द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी. बोलो, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी की सर्टिफिकेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, कोई फर्क पड़ेगा ना, बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर की ऐसी रिक्वायरमेंट ही नहीं है. रेवेन्यू होता ना, तो प्रायर पीरियड के जो तीन साल होंगे उसमें जो भी आपने सैलरी के लेटर से आपने जो भी रॉ मटेरियल परचेस किया होगा वो सर्टिफाइड करवाना पड़ेगा बाय द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, तब जाके उतना अमाउंट आपको डिडक्शन के तौर पर अवेलेबल होगा. बट यहाँ पे तो ऐसा कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं है. डन, चलो. एक्सपेंडिचर इनकर्ड अप टू 30th November 2016, तो ये तो तीन साल के पहले का पीरियड हो गया, ये पूरे पूरा डिडक्शन हमको अवेलेबल नहीं हो सकता. एक्सपेंडिचर बिटवीन 1st December 2016 30th November 2019, ये हमारे काम का एक्सपेंडिचर है. चेक करो, फर्स्ट परचेज ऑफ लैंड, लैंड इज एक्सेप्शन, डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा, तो इसका डिडक्शन हम अवेलेबल नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट, परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर रिसर्च, इक्विपमेंट जो भी आपने परचेज किया एलिजिबल फॉर डिडक्शन. एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर फॉर कल्टिवेशन ऑफ हर्बल्स, वापस एक बार, एलिजिबल फॉर डिडक्शन. मतलब 40,000, 44,600 ये हमारी अमाउंट होगी, इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्या क्लेम कर पाऊंगा, डिडक्शन. कंबाइंड अमाउंट लिख दिए 44,600, तो दिस विल बी माई टोटल अमाउंट विच इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन. बोलो, खास कुछ है फ्रेंड्स, प्रोविजन जितने मजबूत करोगे, फ्रेंड्स बरोबर समझ लो, प्रोविजन जितने मजबूत होंगे ना, चकाचक होंगे ना, उतना फ्रेंड्स आगे तो बहुत 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 रास्ता इजी है, कोई तकलीफ ही नहीं पड़ेगी. प्रोविजन मजबूत रखते हैं फ्रेंड्स हमको ऑलवेज. डन, चलो एक बार टोटल करना हो तो कर देते हैं. जितना हमको मिलने वाला है, टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 35. चलो अभी देखो, इट इज व्हाट, 1,35,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000 प्लस 1,70,000 प्लस 42,000 प्लस 34,800 प्लस 44,600, इट कम्स टू व्हाट, 546,400. इट इज 546,400. फ्रेंड्स हमको क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा है, इफ रिसर्च इज नॉट
रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ दी एसएससी। तो फ्रेंड्स आपने जो भी इनिशियल कंट्रीब्यूशन किया है उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा, जो खुद से रिसर्च किया है उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल हो सकता नहीं है। तो वो सिंपल है, उतना आप समझ लोगे फ्रेंड्स, बोलो क्लियर डन चकाचक। चलो प्रोविजंस में आगे बढ़ते हुए अभी देखो फ्रेंड्स आपने थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ओके अभी देखो फ्रेंड्स आपने जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया है वो असेट का फुल डिडक्शन आपने क्लेम कर दिया। 1 लाख वाली असेट होगी तो 1 लाख पूरे पूरा डिडक्शन आपने क्लेम कर दिया। बट सपोज वो असेट को मैं सब्सिक्वेंटली सेल कर रहा हूं, अब समझ रहे हो बराबर मेरी चीजों को। सब्सिक्वेंटली सपोज मैं असेट को सेल कर रहा हूं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या, उसको हम यहां पे डिस्कस करेंगे। हेडिंग पढ़ो फ्रेंड्स, सेल ऑफ असेट यूज्ड फॉर व्हाट, साइंटिफिक रिसर्च। ऐसी असेट है जो मैंने साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज की है तो उसको मैं जब सेल करूंगा तो उसके ऊपर का टैक्स स्टेटमेंट क्या आएगा, उसके ऊपर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे, इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग थोड़ा ज्यादा टेक्निकल डिस्कशन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। पेपर टफ आता है ना फ्रेंड्स, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपका ध्यान सख्त रिक्वायर्ड। अभी देखो फ्रेंड्स मैंने असेट साइंटिफिक रिसर्च के लिए परचेज की, बाद में उसको मैंने सेल कर दिया। सेल दो मेथड से होगा, नंबर वन यहां पे चेक करो, सेल ऑफ असेट विदाउट हैविंग बीइंग यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस, स्ट्रेट अवे मैंने उसको सेल कर दिया। सिंपल, कोई माथाकुटी नहीं, असेट साइंटिफिक रिसर्च के लिए मैंने परचेज की थी, स्ट्रेट अवे उसको मैंने सेल कर दिया। सेकंड सिचुएशन, जो हमने डेप्रिसिएशन का एक्चुअल कॉस्ट का एक्सप्लेनेशन डिस्कस किया था वो यहां पे अटेस्ट होगा, उसका रेफरेंस मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा। आप याद करो फ्रेंड्स हमने फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब एक्सप्लेनेशन के लिस्ट में फर्स्ट था कि हमने असेट साइंटिफिक रिसर्च के लिए परचेस की थी, बाद में क्या हुआ उस असेट को मैं अदर बिजनेस में ले आया, उस असेट को मैं अदर बिजनेस में ले आया तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट कितनी, याद करो ऐसे डिस्कशन कर दिया था फ्रेंड्स हमने। तो फ्रेंड्स देखो वापस एक बार, मैंने असेट को साइंटिफिक रिसर्च के लिए परचेस किया था, 100% डिडक्शन मैंने उसका क्लेम कर दिया है, बाद में उस असेट को मैं नॉर्मल बिजनेस में ले आया, तो जब मैं असेट को नॉर्मल बिजनेस में ले आया उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या, याद आया शाहरुख खान, बिकॉज ऑलरेडी 100% डिडक्शन आपने क्लेम कर दिया है तो उसका एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे कितना होगा, जीरो। दैट एंड वो असेट में बिजनेस नॉर्मल बिजनेस में लिया है बाद में उसको सेल किया, पता चला दो सिचुएशन। सिचुएशन नंबर वन, सेल ऑफ असेट विदाउट हैविंग बीन यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस, डायरेक्ट साइंटिफिक रिसर्च के लिए असेट मेरी पड़ी है, बार बार उसको मैंने सेल कर दिया, डायरेक्ट उसको मैंने सेल कर दिया। एंड सेकंड सिचुएशन, तो आप यहां पे चेक कर सकते हो, सेल ऑफ असेट आफ्टर हैविंग बीन यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ अदर बिजनेसेस, मतलब उस असेट को मैं नॉर्मल बिजनेस में ले आया एंड नॉर्मल बिजनेस के बाद मैंने उसको सेल किया, तो क्या उसकी इंपैक्ट आएगी, क्या उसका ट्रीटमेंट आएगा, उसको हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। डन, तो फर्स्ट जो असेट ये डिस्कस करते हैं, फर्स्ट जो असेट मेरे साइंटिफिक रिसर्च के लिए थी, जिस असेट को मैं नॉर्मल बिजनेस में ले आया, मुझे याद करके बताओ नॉर्मल बिजनेस में जब मैं ले आया तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी होगी, इट इज फ्रेंड्स जीरो, याद आ रहा है उसकी एक्चुअल कॉस्ट मैं यहां पे कितनी मेंशन करूंगा, जीरो। देखो ए में क्या ट्रीटमेंट होगा, ब्लॉक ऑफ असेट फॉर अदर बिजनेस, जो मेरा अदर बिजनेस होगा उसमें जो भी मेरे पास असेट पड़ी होगी उसका ये ब्लॉक मेरे पास होगा, ओपन डब्ल्यूडी जो मेरी एक्चुअल कॉस्ट होगी, ओपन डब्ल्यूडी जो मेरी एक्चुअल होगी वो यहां पे मेंशन करूंगा। एक्चुअल कॉस्ट जो असेट मेरी साइंटिफिक रिसर्च से नॉर्मल बिजनेस में आई, असेट मेरी साइंटिफिक रिसर्च के लिए थी उससे असेट नॉर्मल बिजनेस में आती है तो व्हाट विल माय एक्चुअल कॉस्ट, इट इज एब्सोल्युटली शाहरुख खान, जीरो। नेक्स्ट, अब असेट को मैं सेल कर रहा हूं, समझे आप फ्रेंड्स ये सिचुएशन क्या हुई, असेट पहले साइंटिफिक रिसर्च के लिए थी बाद में नॉर्मल बिजनेस में आई, नॉर्मल बिजनेस में वो असेट क्या करते हैं हम, सेल। तो फ्रेंड्स जो भी मेरी सेल वैल्यू होगी, जो पैसा मुझे रिसीव हुआ उसको यहां पे मेंशन कर दूंगा, जो भी पैसा मुझे रिसीव हुआ उसको यहां पे मैं लेस कर दूंगा, एंड जो मेरे पास फाइनली बचेगा वो मेरा डब्ल्यूडीबी होगा, उसके ऊपर मैं क्या क्लेम कर पाऊंगा, डेप्रिसिएशन, एंड फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी। इन शॉर्ट नॉर्मल ट्रीटमेंट है, कोई बड़ी बात ही नहीं है, एकदम सिंपल। मेरी जो असेट साइंटिफिक रिसर्च के लिए थी उसको नॉर्मल बिजनेस में जब मैं ले जाता हूं तब उसको एक्चुअल कॉस्ट के तौर पे जीरो ऐड किया होगा, जब उसको मैं सेल करूंगा बिकॉज वो असेट ब्लॉक में, तो जो भी पैसा मुझे उसके लिए रिसीव हुआ वो एज अ ब्लॉक में से लेस कर दूंगा, विच इज मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट सोल्ड डिस्कार्डेड डिमोलिश्ड डिस्ट्रॉयड, डब्ल्यूडीबी डेप्रिसिएशन क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी। आई थिंक लाइफ में इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता फ्रेंड्स। डन, चलो इसका एक पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बाद में हम डिस्कस करेंगे व्हाट अबाउट द सिचुएशन नंबर बी। चलो आओ
चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स. इंटरेस्टिंग. प्रीवियस 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 हमारा क्वेश्चन था, मैं आपको बताऊं. इट इज फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7. प्लीज ध्यान से ट्राई करना है खुद से. ये मैं ट्राई कर लेता हूँ फ्रेंड्स. आर परचेस्ड पर तो भी आपकी इच्छा तो डेफिनेटली 1000%. तो एक बार ट्राई कर ही लो. चलो बात निकली है तो पॉज करके वीडियो देख ही लो फ्रेंड्स. एंड अब ये ट्राई करना. इफ सोल्ड आफ्टर यूजिंग फॉर बिजनेस, ये सिनेरियो आप ट्राई करो. ये सिचुएशन आप ट्राई करो. बी सिचुएशन, ये सिचुएशन पहले प्रोविजन एक्सप्लेन करो का बाद में उसको सॉल्व करेंगे. बी सिचुएशन चलो ट्राई करो वीडियो पॉज पॉज पॉज. मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. आर परचेस्ड एन असेट फॉर साइंटिफिक रिसर्च फॉर रुपीज 15 lakhs. असेट की कॉस्ट हमारी 15 lakh rupees. इन प्रीवियस ईयर 8 और 9 में उसको मैंने परचेस किया था. वाह. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 सेड असेट सीज्ड टू बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च. नाउ आई एम नो मोर यूजिंग दैट असेट फॉर द पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च. फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज सबमिटेड टू यू. वेरी गुड. प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस बिफोर डेप्रिसिएशन, 5 lakh rupees मेरा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है. WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट 25% एज ऑन 1st April 2019, 10 लाख रुपए मेरे पास. कोई ब्लॉक की WDV भी अवेलेबल है 25% के रेट के हिसाब से. एंड दिस साइंटिफिक रिसर्च असेट इफ यूज्ड फॉर बिजनेस शैल बी एलिजिबल फॉर व्हाट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, 25% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. मतलब सेम ब्लॉक में वो एड हुई होगी. कंप्यूट टोटल इनकम. टोटल इनकम का कैलकुलेशन हमको करना है. इफ साइंटिफिक रिसर्च असेट इज सोल्ड फॉर रुपीज 35 lakh, साइंटिफिक रिसर्च असेट को मैंने कितने में सेल कर दिया, 35 lakh rupees में उसको मैंने सेल कर दिया. Assuming what? Second situation first of all solve करेंगे. It is sold after using for the purpose of what? Business. Done? चला अच्छा? चलो solve करते हैं. Situation number B first. Answer number 7. ये रहा friends हमारा. Answer number 7. पहले situation B. चलो friends. अभी देखो. हमको जो information available है उसके हिसाब से साइंटिफिक रिसर्च को मैंने 15 लैक्स में परचेस किया था बहुत साल पहले 8-9 में. एंड फ्रेंड्स इस साल में 1920 में द असेट इज सीज टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च. उसको अदर बिजनेस में हम लाते हैं एंड बाद में उसको 35 lakh rupees में सेल करते हैं. तो उसकी WDV की इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल है विच इज 10 lakhs. तो शुरू करते हैं हमारे ब्लॉक से. ओके तो यहाँ पे फ्रेंड्स ब्लॉक होगा प्लांट एंड मशीनरी जिसके लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं विच इज 25% rate of depreciation. शुरू करेंगे friends from opening WDV. What is our opening WDV from information you may check, we may check. It is friends 10 lakhs of rupees is our what? Opening WDV. उसमें add करेंगे friends what? Actual cost. जो भी मेरी asset की है, जो मैं साइंटिफिक रिसर्च से नॉर्मल बिजनेस में ले आया उसकी मेरी एक्चुअल कॉस्ट बोलो कितनी. एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 इट बिकम्स व्हाट. समझ रहे हो ना फ्रेंड्स. चकाचक चलो माइनस करेंगे मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट सोल्ड डिस्कार्डेड डिमोलिश्ड डिस्ट्रॉयड. कौन सी वैल्यू से हमने असेट को सेल किया है. इंफॉर्मेशन यू मे चेक. इट इज 35 lakhs rupees से मैंने असेट को सेल किया है. तो मैं आप यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. इट इज फ्रेंड्स 35 lakhs मेंशन करूँ क्या 10 lakhs मेंशन करूँ. 10 lakhs कुछ याद आ रहा है फ्रेंड्स आपको. बोलो क्या सिखा था. If any asset in the block is sold during the previous year with a value which exceeds what? Opening WDV plus actual cost. Your WDV will become what? Nil. Your depreciation will also what? Nil. And the closing WDV will also become what? Nil. And there will be computation of what? Capital gain. Section 50. Chartered accountant. Yaad aa raha hai? Company secretary. Yaad aa raha hai? Chalo. तो फ्रेंड्स यहाँ पे देयर विल बी कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन. नेचर इज ऑलवेज 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 शॉर्ट टर्म. इंडेक्स असेट का बेनिफिट अवेलेबल होने वाला नहीं है. तो फ्रेंड्स हम कंप्यूट करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिसके लिए मेरे पास होगा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन. आप चेक करो फ्रेंड्स असेट को मैंने कितनी प्राइस से सेल किया है. असेट को मैंने सेल किया है 35 lakhs rupees में. तो 35 lakhs विल बिकम वॉट माई फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन. उसमें से लेस करेंगे एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद ट्रांसफर. कोई एक्सपेंडिचर हमारे पास है ही नहीं इन कनेक्शन विद ट्रांसफर. बचेगा नेट कंसीडरेशन 35 lakhs rupees. उसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कितना होने वाला है
10 lakhs of rupees, which is opening WDV plus actual cost. And finally, friends, जो मेरे पास बचेगा, वो क्या होगा? Short-term capital gain, which is of rupees 25 lakhs. बोलो clear, done, चकाचक. अभी क्वेश्चन हमारा चेक करो, हमको कंप्यूट क्या करना है, हमको कंप्यूट करना है टोटल इनकम. यहां पे डेप्री तो नहीं हो गया मेरा, चेक करो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 5 लाख रुपीस का है, तो ये मेरा इनकम 100 पीजीबीपी हो गया. डन, हमको कंप्यूट करना है टोटल इनकम. तो टोटल इनकम के लिए फ्रेंड्स हमारे पास जो हेड्स होंगे वो होंगे पीजीबीपी, एक होगा मेरे पास कैपिटल गेन जो शॉर्ट टर्म नेचर में है, 5 लाख मेरा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है, डेप्री यहां पे तो है ही नहीं बिकॉज़ जीरो डेप्री आया, बिकॉज़ एसेट को मैंने सेल किया है विद अ वैल्यू व्हिच एक्सीड्स ओपनिंग डब्ल्यूडी प्लस एक्चुअल कॉस्ट. तो मेरा ये जो पीजीबीपी है वो 5 लाख फुल आ गया, एंड मेरा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो कितना आएगा फ्रेंड्स, 25 लाख ऑफ रुपीस. एंड जो फाइनली मेरे पास ग्रॉस टोटल इनकम बोलोगे, टोटल इनकम बोलोगे बिकॉज़ डिडक्शन की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो फ्रेंड्स जो मेरे पास टोटल इनकम आया वो कितना आएगा, 30 लाख. बोलो है कुछ एकदम सिंपल. जो आपने साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट को सेल किया है, तो फ्रेंड्स अदर मतलब साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट को अदर बिजनेस में लाके सेल किया है, तो अदर बिजनेस में जब आप उसको लाते हो तो मेरा एक्चुअल कॉस्ट यहां पे नहीं होगा, एंड जिस प्राइस से मैंने उसको सेल किया था यहां से उसको मैं मेंशन कर दूंगा. सिंपल इतना ट्रीटमेंट है फ्रेंड्स, कोई बड़ी बात है ही नहीं. डन, चलो अभी शुरू करने जा रहे हैं. जो मैं उसको डायरेक्टली सेल कर देता हूं, साइंटिफिक रिसर्च वाली असेट को मैं डायरेक्टली सेल कर देता हूं, तो उसका टैक्स स्टेटमेंट क्या आएगा, जो आप यहां पे चेक कर सकते हो, जो हमारा डी एक्सप्लेनेशन है वो चेक करो फ्रेंड्स. सेल ऑफ असेट विदाउट हैविंग बीन यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस, मतलब डायरेक्टली साइंटिफिक रिसर्च से बारो बारी उसको मैंने सेल कर दिया, अदर बिजनेस में लाके सेल किया. तो सिनेरियो नंबर ए, एक्चुअल कॉस्ट जीरो, सेल वैल्यू जो भी होगी वो मैं डब्ल्यूडीवी मतलब जो भी डब्ल्यूडीवी कंप्यूटेशन करूंगा उसमें से सेल वैल्यू के तौर पर उसको लेस कर दूंगा, पर डायरेक्टली उसको बेच दिया तो क्या, डायरेक्टली उसको बेच दिया तो फ्रेंड स्टेटमेंट ऐसे होगी. आप चेक कर सकते हो यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च में से डायरेक्टली मैंने क्या कर दिया, उसका सेल. यहाँ पे क्या हुआ था, साइंटिफिक रिसर्च से नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस से सेल. यहाँ पे क्या हुआ, साइंटिफिक रिसर्च से डायरेक्टली मैंने क्या कर दिया, उसका सेल. क्या ट्रीटमेंट होगा, दो हेड में उसकी ट्रीटमेंट आएगी. वन वुड बी पीजीबीपी, सेकंड वुड बी व्हाट, कैपिटल गेन और लॉस एट द केस में भी. हेड पीजीबीपी में क्या ट्रीटमेंट आएगी फ्रेंड्स, वो भी हमारी सेल्स प्राइस होगी, जिस प्राइस से आपने असेट को सेल किया है वो, और जो डिडक्शन हमने क्लेम किया है वो, विच एवर इज लोअर शैल बी व्हाट, टैक्सेबल. मतलब सेल्स प्राइस आपकी जो भी होगी वो, और डिडक्शन हमने जो भी कंप्यूटेशन किया है, विच एवर इज लोअर उतना हमको टैक्सेबल करना होगा. अंडर विच हेड ऑफ इनकम, इट इज पीजीबीपी, इतना हेड पीजीबीपी में फ्रेंड्स टैक्सेबल होने वाला है. स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटेशन करते जाए हमारे आंसर के साथ, आपके रिलेटिवली बहुत ईजी होता जाएगा. फ्रेंड्स देखो यहाँ पे क्या टैक्स स्टेटमेंट आएगा, हमारा सेल्स प्राइस, यहाँ पे मैं रफ कैलकुलेशन कर लेता हूँ तो आपको पता चले ये हेड पीजीबीपी की टैक्सेबिलिटी आएगी फ्रेंड्स. जो हमारा परफेक्टली लिखूं फ्रेंड्स आपके लिए, कोई तकलीफ ना पड़े फ्रेंड्स आपको, यहाँ पे ए आंसर हमारा ओके. तो फ्रेंड्स हेड पीजीबीपी में क्या इम्पैक्ट आएगी वो आपको बता दूं, ए में हेड पीजीबीपी में क्या उसकी इम्पैक्ट आएगी. तो फ्रेंड्स नंबर है जो भी हमारे पास सेल्स प्राइस है वो सेल्स प्राइस अभी आ गया फ्रेंड्स, सेल्स प्राइस है वो, और बोलो क्या था, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 जो हमने पहले क्लेम किया था वो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 विच एवर इज लोअर उतना हम क्या करेंगे, हेड पीजीबीपी में टैक्सेबल. तो व्हाट इज अवर सेल्स प्राइस, व्हाट इज अवर डिडक्शन, लेट्स चेक फ्रॉम अवर इंफॉर्मेशन. फ्रेंड्स देखो मेरा डिडक्शन कितना होगा, 15 लाख रुपीज का मेरा डिडक्शन होगा, बिकॉज 15 लाख की मेरी असेट है जो मैंने परचेज की थी, तो 15 लाख की असेट का मेरा डिडक्शन मुझे मिल जाएगा, एंड 35 लाख मेरी सेल वैल्यू है. तो डिडक्शन मेरा 15 लाख का एंड 35 लाख मेरी क्या होगी फ्रेंड्स, यहाँ पे सेल्स प्राइस. बोलो क्या करूं, विच एवर इज लोअर उतना मुझे क्या होगा, पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल. तो फ्रेंड्स विच एवर इज लोअर इज व्हाट, 15 लाख ऑफ रुपीस कितना फ्रेंड्स हेड पीजीबीपी में टैक्सेबल होने वाला है. क्लियर, चकाचक. चलो नेक्स्ट हेड कौन सा आएगा, कैपिटल गेन. अभी आप चेक करो फ्रेंड्स,
वापस एक बार मगज में फिट करते चलो, डिडक्शन और सेल्स प्राइस, विच एवर इज लोअर उतना हेड पीजीबी में टैक्सेबल, एंड कैपिटल गेन में क्या टैक्सेबल होगा, जबकि सेल्स प्राइस होगी, सेल्स प्राइस हमारे केस में 35 लाख रुपीज है, उसमें से उसका कॉस्ट और इंडेक्स्ड कॉस्ट। अभी कैपिटल गेन पता होगा तो आपको शायद कैपिटल गेन रिफर किया होगा तो आपको पता होगा कि असेट के दो नेचर होते हैं, आइदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जनरल सेंस में 3 साल तक की असेट को बोलेंगे शॉर्ट टर्म, 3 साल की असेट के ऊपर जाएगी तो रूपी लॉन्ग टर्म, एक्सेप्शन ज्यादा 12 मंथ्स भी है, कभी कभी 24 मंथ्स भी है, हमने डिस्कस किया है फंजेड कैपिटल गेन्स में। बट अभी यहाँ पे इतना ध्यान दे दो कि जो हमारा अप टू 3 इयर्स का होगा तो रूपी शॉर्ट टर्म, 3 इयर्स को क्रॉस करेगा इट रूपी वॉट लॉन्ग टर्म। ओके, जो लॉन्ग टर्म असेट होगी तो हम जो लेस करेंगे वो होगा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो असेट शॉर्ट टर्म होगी तो हम जो लेस करेंगे वो क्या होगा, सिंपल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। चकाचक रेडी, चलो तो ये हेड कैपिटल गेन, सेल्स प्राइस हमारी जो वैल्यू में मैंने सेल किया है वो, माइनस असेट की जो भी कॉस्ट होगी, इंडेक्स कॉस्ट होगी, उसको लेस करने के बाद जो शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म गेन आएगा उसका कैलकुलेशन हमको करना होगा फ्रेंड्स। क्लियर, चलो कंप्यूटेशन करते हैं हमारे लॉन्ग टर्म के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का। शुरू करेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, लेस करेंगे फ्रेंड्स एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, जो बचेगा तो उसको बोलेंगे नेट कंसिडरेशन, उसमें से लेस करेंगे आइदर इंडेक्स्ड और नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो बचेगा वो अपना नॉर्मल लेट अस से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अभी चेक करो फ्रेंड्स असेट को आपने परचेस कब किया है, फ्रेंड्स असेट को मैंने परचेस किया है 8-9 में, असेट को मैंने परचेस किया 8-9 में, मैं सेल कब कर रहा हूँ आप चेक कर सकते हो, उसको मैंने सेल किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920, असेट इज व्हाट एब्सोल्युटली लॉन्ग टर्म, असेट का नेचर क्या हो चुका है लॉन्ग टर्म। सो जो यहाँ से लेस करूंगा वो क्या होगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इट वुड बी एब्सोल्युटली इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एंड देयरफॉर माय नेचर ऑफ कैपिटल गेन वुड बी व्हाट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, नेगेटिव आएगा तो लॉस। डन, चलो कितनी प्राइस से मैंने असेट को सेल किया, इन्फॉर्मेशन से चेक करो, मैंने असेट को सेल किया है फ्रेंड्स फुल 35 लाख ऑफ रुपीज में मैंने असेट को सेल किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 35 लाख, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन इन रिलेशन टू एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, जो बचेगा वो फ्रेंड्स मेरा क्या होगा नेट कंसीडरेशन, जो मैं लेस करूंगा वो क्या होगा मेरा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। व्हाट इज माय फ्रेंड्स इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दिस फ्रेंड्स माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच इज आई थिंक इट इज 1515 lakhs, यस माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 1515 lakhs मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसफर ईयर इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय एक्विजिशन ईयर इंडेक्स नंबर। फ्रेंड्स कैपिटल गेन थोड़ा थोड़ा याद होगा फ्रेंड्स आपको, हम इंडेक्सेशन पर्पस के लिए हम इंडेक्स नंबर हमारे पास ही रखते थे, एक मिनट में मिल जाएगा फ्रेंड्स मुझे इंडेक्स नंबर की वो पीपीटी, इंडेक्स नंबर कहाँ पे है, चल आजा बेटा इंडेक्स नंबर, वो दो इंडेक्स नंबर चाहिए होंगे फ्रेंड्स, एक ट्रांसफर ईयर का एक एक्विजिशन ईयर का, दोनों के दोनों इंडेक्स नंबर, ये रहा इंडेक्स नंबर मिल गया, डायरेक्टली इंडेक्स नंबर मिल गया, वाह क्या बात है। चलो मुझे बताओ विच इज माय ट्रांसफर ईयर, इट इज फ्रेंड्स 1920 का इंडेक्स नंबर बोलो कौन सा होगा, इट इज फ्रेंड्स 289, ये तो याद रखना था हमको, चलो कोई बात नहीं मैंने आपको बता दिया, इट इज फ्रेंड्स 289, तो यहाँ पे मेंशन कर दूंगा ट्रांसफर ईयर इंडेक्स नंबर, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे मेंशन कर दूंगा ट्रांसफर ईयर इंडेक्स नंबर विच इज वॉट 289 डिवाइडेड बाय एक्विजिशन ईयर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस चेक विच इज अवर एक्विजिशन ईयर, इट इज फ्रेंड्स 89, तो 89 का इंडेक्स नंबर कितना होगा जरा इन्फॉर्मेशन से चेक करो, इट इज फ्रेंड्स 89 का, 89 का इंडेक्स नंबर ये रहा, इट इज 137, तब मैं उसको डिवाइड कर दूंगा फ्रेंड्स बाय 137, तो ये मेरा बन गया फ्रेंड्स इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच इज फ्रेंड्स 15 लाख ऑफ रुपीज, एक मिनट ऑफ आगे, चलो वेरी गुड बॉय, इट इज फ्रेंड्स 15 लाख ऑफ रुपीज इनटू 289 डिवाइडेड बाय 137, इट कम्स टू, राउंड ऑफ कर देता हूं मैं इसको, इट कम्स टू 31,64,234, 35 लाख में से हमारे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस करने के बाद जो बचेगा 335,766, ये मेरा क्या हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बोलो चकाचक एकदम रेडी फ्रेंड्स, चलो फ्रेंड्स आगे बढ़े, हमको तो क्या कंप्यूट करना है टोटल इनकम, खत्म नहीं हुई स्टोरी, हमको तो क्या कंप्यूट करना है फ्रेंड्स टोटल इनकम। चलो
my profit before depreciation, जब information check कर सकते हो, it is what? Rupees 5 lakh, तो इसमें depreciation अभी claim करना बाकी है, चलो depreciation कितना होगा friends, ये block में तो कोई impact आएगी नहीं, because मैं asset को तो directly sale कर दिया है, तो block में उसके कोई impact आने वाली नहीं है, तो मेरा depreciation friends आप check कर लो, 10 lakh rupees का 25% मेरा depreciation हो जाएगा, 2,50,000, so मेरा profit after depreciation कितना हो जाएगा, 2,50,000, समझे, profit before depreciation 5 lakh rupees है, and मेरा depreciation 10 lakhs के ऊपर 25% कंप्यूट कर देंगे तो 2,50,000 आएगा तो माय प्रॉफिट आफ्टर डेब्रे विल बिकम व्हाट जस्ट 2,50,000 डायरेक्टली मैं स्टेटस उसको मेंशन कर देता हूं माय प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन ओके तो इट इज माय प्रॉफिट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन 2,50,000 ऑफ रुपीस फ्रेंड्स डन अभी देखो ये आपकी पीजीबीपी की इनकम आई रुपीस 1,515 lakhs जो हमारे केस में टैक्सेबल होगा तो दूसरा लिख देता हूं पीजीबीपी फ्रेंड्स ये जो है वो भी पीजीबीपी हेड में ही आएगा हां फ्रेंड्स इट इज आल्सो हेड पीजीबीपी ओनली तो हमारा 15 लाख वो भी हेड पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा 1,515 lakhs ऑफ रुपीस एंड लास्ट हमारा होगा वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हमने कंप्यूट किया फ्रेंड्स इट इज 335,766 अल्टीमेटली जीटीआई बोलो के टोटल इनकम बोलो बिकॉज़ डिडक्शन की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स 2,50,000 प्लस 15 लाख ऑफ रुपीस प्लस 335,766 is comes to what 2,085,766 this becomes what our total income chaka chak ekdam ready simple friends income tax mein choti si baat always dhyan mein rakhne ki income tax mein do cheez out of hoti hai ek total income ek tax liability friends yahan pe aap check kar sakte ho jo hamari total income hai wo round off karna padega next to multiple of rupee 10 so rounded up jo hamari figure aayegi it would be 2,085,770 ओके एंड आगे की सिचुएशन थी उसमें तो राउंडेड ऑफ ही फिगर आई थी सो डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं था ओके दिस वाज ऑल अबाउट इन डेप्थ डिस्कशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च चकाचक रेडी तो क्या-क्या डिस्कस किया फ्रेंड्स हमने साइंटिफिक रिसर्च के बारे में छोटा सा पॉइंट बाकी रहता है वो डिस्कस कर ही लो फ्रेंड्स बाद में हम रिवीजन के थ्रू टुवर्ड्स कंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स देखो दो क्वेश्चन 7 एंड 18 इसको बिलोंग करते हैं जो हमने सॉल्व कर दिया फ्रेंड्स एक स्पेशल प्रोविजन से 35(2) एबी कंपनी ये क्या है इट इज कंपनी एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल और थिंग व्हिच इज अदर देन 11th शेड्यूल तो चीज यहां पे कवर्ड है आइदर यू आर बिजनेस आइदर यू आर कंपनी एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और यू आर मैन्युफैक्चरिंग व्हाट यू आर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग व्हाट आर्टिकल्स और थिंग्स व्हिच आर मेंशन इन शेड्यूल 11 तो फ्रेंड्स आपका जो भी डिडक्शन नॉर्मली हमको 100% मिलता था वो आपको यहां पे कितना अवेलेबल हो जाएगा 150% वेटेड डिडक्शन यहां पे फ्रेंड्स आपका एक्सपेंडिचर का अवेलेबल होने वाला है मतलब आप 100 रुपए का एक्सपेंडिचर इनकर करोगे आपको 150 रुपए का डिडक्शन अवेलेबल एलिजिबल होगा बट एक्सेप्ट व्हाट लैंड एंड बिल्डिंग ये असेट्स के ऊपर फ्रेंड्स आपको असेट्स के ऊपर आपको डिडक्शन अवेलेबल होने वाला नहीं है ओके लैंड का तो एसेट भी नहीं मिलता था बट फ्रेंड्स एक टेक्निकल पॉइंट ये बिल्डिंग का आपको है ना 150 डिडक्शन नहीं मिलेगा एज पर 35(2)(ab) बट नॉर्मली एज पर सेक्शन 35 100% डिडक्शन तो मिल सकता है तो फ्रेंड्स इसका कितना मिल जाएगा आपको 100% डिडक्शन हां लैंड का डिडक्शन तो वहां पे भी नहीं मिलता है अदरवाइज इसका भी मिल जाता फ्रेंड्स आपको डन तो इफ यू आर 35(2)(ab) कंपनी सिंपल इतना ध्यान में रखना कुछ खास चिंता करने की इसके बारे में जरूरत नहीं है फ्रेंड्स आपको 35(2)(ab) कंपनी हुआ मतलब आप बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस करते हो और 11 शेड्यूल में जो मेंशन नहीं है उसका मैन्युफैक्चरिंग आप करते हो सर क्या 11 शेड्यूल चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स डिडक्शन आपको कितना मिलेगा 150% ऑफ योर एक्सपेंडिचर मे बी रेवेन्यू मे बी कैपिटल फर्क नहीं पड़ता बट फ्रेंड्स एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग एंड लेट अस बिल्डिंग का 100% डिडक्शन डेफिनेटली बिजनेस के ऊपर क्लेम कर सकते हो फ्रेंड्स बोलो क्लियर चकाचक अभी कोई तकलीफ ना फ्रेंड्स नाउ वी आर डन विद साइंटिफिक रिसर्च हमने शुरू किया था फ्रॉम ओन एक्सपेंडिचर और कंट्रीब्यूशन जब ओन एक्सपेंडिचर की बात आए इट हैज टू बी रिलेटेड टू योर बिजनेस रेवेन्यू कैपिटल रेवेन्यू प्रायर पीरियड का होगा तो 3 साल तक का अलग होगा सैलरी जो आपने रिसर्च पर्सनल को पे की होगी रॉ मटेरियल जो आपने परचेस किया होगा उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा सर्टिफाइड का मतलब अमाउंट जो भी सर्टिफाई होगी बाय प्रिस्क्राइब अथॉरिटी उतना डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा जिस साल में बिजनेस कमेंस करना शुरू करोगे उस साल ये डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा पोस्ट
कमेंसमेंट बिजनेस पीरियड में जितना भी आपने खर्चा किया उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला है। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात है वापस उसको 2% रिवर्ट करना पड़ेगा, कमेंसमेंट के प्रायर का एक्सपेंडिचर, कमेंसमेंट के बाद का एक्सपेंडिचर। जो प्रायर पीरियड होगा तो 3 साल का अवेलेबल होगा, लैंड का अवेलेबल होने वाला नहीं है, तो इसके अथॉरिटी की परमिशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। एंड जिस साल में आप कमेंसमेंट करोगे बिजनेस का उस साल में डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला है। पोस्ट कमेंसमेंट की बात करें तो फुल डिडक्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा एक्सेप्ट वॉट लैंड। ओके, जो आपने यहाँ पे डिडक्शन क्लेम किया तो डेप्री आपको अवेलेबल नहीं होगा। अनएब्सॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट कैसे होगा? सेम टू सेम एज इफ इट इज व्हाट अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ओके, नेक्स्ट असेट को आपने सेल किया है, जो लेट अस से आपने नॉर्मल बिजनेस में लाके सेल किया है तो फ्रेंड्स उसको हम एक्चुअल कॉस्ट में ऐड करेंगे 0, जो भी सेल वैल्यू की उसको सिंपली लेस कर देंगे। एंड डायरेक्टली आपने उसको सेल कर दिया, साइंटिफिक रिजर्व एसेट को डायरेक्टली आपने सेल कर दिया, दो हेड में ट्रीटमेंट आएगी, हेड पीजीबीपी, हेड कैपिटल गेन। पीजीबीपी में क्या ट्रीटमेंट आएगी? जिस प्राइस से आपने सेल किया वो और डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 व्हिच एवर इज लोअर उतना टैक्सेबल होगा। एंड हेड कैपिटल गेन में भी उसका टैक्स ट्रीटमेंट आएगा, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो बचेगा वो शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो अपने फ्रेंड्स कंट्रीब्यूशन किया है तो जनरली इतना ध्यान में रखो, साइंटिफिक रिसर्च के लिए कंट्रीब्यूशन किया होगा तो 150% डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा। सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च किया होगा तो आपको 100% डिडक्शन अवेलेबल होगा। नेशनल लेबोरेटरी IIT होगा तो भी 150 डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला है। जो अप्रूव्ड नोटिफाइड कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च होगा वापस डिडक्शन आपका कितना रहेगा? 100%। एंड लेट अस से 35(2) भी कंपनी होगी तो आपको 150% ओन एक्सपेंडिचर का डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगा एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग, बट बिल्डिंग का 100% डिडक्शन आप अवेलेबल होगा एज पर सेक्शन 35। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने कंक्लूड किया विद रिस्पेक्ट टू परमिसेबल डिडक्शन सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च। इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल टू वॉच मोर सच वीडियोस एंड लर्न फ्रॉम आवर एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स। Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.